के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर एक है जहां जो तूफानी दरिया से बकावत कर जाए वो इश्क भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे मैं भी तुम्हारे साथ अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती में वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते कभी <laughs> भी मात दे सकती अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं अब हमारे बीच सिर्फ की यह रणभूमि है <laughs> योद्धा ठोकर पत्थर से लगे तभी हाथ तलवार पर ही जाते जीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अय्याशिक तो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क़ जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल वो इश्क़ हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर इस के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता साल 2015 की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म बाजीराव मस्तानी तो आप सभी ने देख ही ली होगी हम ये तो नहीं कह रहे कि इससे बढ़िया और बेहतरीन फिल्म कोई नहीं हो सकती लेकिन एक बात तो तय है कि इस फिल्म की भव्यता इसकी एक बड़ी खूबी रही हम यहाँ आपको किसी तरह से किसी भी फिल्म का रिव्यू या आलोचना नहीं करने जा रहे हैं हम तो यहाँ आपको बाजीराव के जीवन की उन तो महिलाओं से अवगत करवाने जा रहे हैं जो वैयक्तिक तौर पर बेहद प्रभावित तो थी ही लेकिन उनके बिना बाजीराव का जीवन भी अधूरा ही था हम बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव की दोनों पत्नियों काशिबाई और मस्तानी की बहुत से लोग मस्तानी को बाजीराव की पत्नी नहीं केवल प्रेसी ही मानते हैं लेकिन कहीं यह भी कहते हैं कि मस्तानी और बाजीराव का विवाह हुआ था समर्पण और प्रेम खैर यह भी अलग बात है कि इन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं क्योंकि बाजीराव का उनके प्रत समर्पण और प्रेम कभी किसी से छिपाए नहीं छिपा और ना ही कभी उन दोनों ने अपने प्रेम को छिपाया कुछ इतिहासकारों ने मस्तानी को बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल जिन्होंने बुंदेलखंड में पन्ना राज की स्थापना की थी की बेटी मानते हैं मस्तानी राजा छत्रसाल और उनकी मुसलमान पत्नी रूहानी बेगम जो कभी हैदराबाद के नवाब के महल में नर्तकी थी की संतान थी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजा छत्रसाल ने मस्तानी को गोद लिया था मस्तानी का बचपन छतरपुर मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया में बीता था जहां मस्तानी महल भी स्थित है घुड़सवारी और तलवारबाजी मस्तानी बेहद सुंदर तो थी ही साथ ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी की भी उस्ताद थी वह एक बेहतरीन नर्तक थी उम्दा गायिका भी थी जिसके आधार पर बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव पेशवा प्रथम के महल में नर्त की थी मुगलिया शासक साल उन्नीस से उन्नीस के बीच जब इलाहाबाद के मुगलिया शासक पठान मोहम्मद वंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया तब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी को उनके पास भेजा था बाजीराव की सहायता से बंगस की सेना को खदेड़ दिया गया आभार बाजीराव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजा छत्रसाल ने बाजीराव को 33 लाख सोने की मोहरे एक हीरे की खदान कुछ गांव और अपने साम्राज्य का एक तिहाई भाग सौंप दिया जिसमें कालपी झांसी और सागर शामिल सा थे उप इसके अलावा बाजीराव ने अपनी पुत्री मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को सौंप दिया कुछ कहते हैं कि बाजीराव ने मस्तानी से विवाह किया था तो कुछ मानते हैं कि वह उनकी उपपत्नी थी बेहतरीन योद्धा जब भी बाजीराव किसी युद्ध पर जाते थे तब मस्तानी भी उनके साथ ही होती थी बाजीराव की तरह बेहतरीन योद्धा थी मस्तानी की एक संतान बाजीराव पेशवा और मस्तानी की एक संतान थी जिसे पहले कृष्ण राव नाम दिया गया लेकिन बाद में नाम बदलकर शमशेर बहादुर किया गया मुगल विरासत को बरकरार रखने के लिए बाजीराव ने अपने पुत्र का नाम शमशेर बहादुर रखा था काशी और मस्तानी बाजीराव काशी और मस्तानी दोनों के प्रति समर्पित थे लेकिन उनकी माता राधाबाई को एक मुसलमान युवती के साथ अपने पुत्र का विवाह रास नहीं आ रहा था वह हर संभव प्रयास करती थी कि बाजीराव के जीवन से मस्तानी का नाम तक मिट जाए बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और पेशवा के पुत्र नाना साहब ने कई बार मस्तानी की हत्या का प्रयास किया मस्तानी को शनिवार वाड़ा बाजीराव का महल से काफी दूर रखने के लिए भेजा गया परंतु उन्हें दूर करने की हर कोशिश नाकाम रही परंतु एक बार उन्हें यह मौका मिल गया जब बाजीराव किसी काम की वजह से अपने राज्य से दूर थे इस अवसर का लाभ उठाकर चिमना जी अप्पा और नाना साहब ने मस्तानी को कैद कर लिया बाजीराव पेशवा बाजीराव पेशवा को यह खबर मिल गई कि मस्तानी को बंदी बना लिया गया है इससे पहले वे कुछ कर पाते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ते गए और अंततः उनतालीस साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उधर जब मस्तानी को बाजीराव की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने भी अपनी अंगूठी में रखे जहर को पीकर आत्महत्या कर ली कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मस्तानी अपने पति बाजीराव के शव के साथ सती हो गई थी बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद काशीबाई ने भी बहादुर की देखरेख की और जब वह बड़ा हुआ तो उसे बंदा और जल्पी की जागीरें सौंप दी इस तरह बाजीराव मस्तानी का नाम एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ गया जिसे इतिहास भी अलग नहीं कर पाया पेशवा का 20 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में अभिषेक किया गया अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए अगले 20 वर्षों तक उन्हें 41 युद्ध लड़ने के लिए जाना जाएगा बाजीराव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी लड़ाइयों को जीता जिन्हों उन्होंने लड़ा था यद्यपि उनके सैन्य पराक्रम और उपलब्धियां आकर्षक हैं लेकिन बुंदेली राजा की बेटी मस्तानी के लिए उनका प्रेम और अधिक दिलचस्प है लोकप्रिय कहानियां उनके प्यार के लिए प्रशंसात्मक गीत गाती हैं जो दुर्भाग्यवश त्रासदी में समाप्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव मस्तानी अपने आप में ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे मस्तानी बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बुंदेलखंड के राजा और उनकी मुस्लिम पत्नी की बेटी मस्तानी बहुत अधिक खूबसूरत थी दिसंबर 1728 में मुगलों को मोहम्मद दिसंबर 1728 में मुगलों के मोहम्मद खान वंकस ने बुंदेलखंड पर हमले की योजना बनाई थी छत्रसाल ने बाजीराव को हमलावर वंकस के खिलाफ सहायता के लिए पत्र लिखा छत्रसाल का पत्र मिलने के बाद बाजीराव उनकी मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गए बंगास युद्ध हार गया और कैद कर लिया गया बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह कभी बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं करेगा सहायता के लिए अत्यधिक आभारी छत्रसाल ने अपने साम्राज्य को तीन भागों में विभाजित किया और एक भाग बाजीराव को भेंट किया इस भाग में झांसी सागर और कालपी शामिल थे पंगास के खिलाफ लड़ाई के बाद छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को देने की पेशकश की थी बाजीराव ने मस्तानी को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकारा उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी वह मस्तानी की कई प्रतिभाओं से आकर्षित थे वास्तव में मस्तानी सुंदर होने के अलावा घोड़े की सवारी तलवार से लड़ना धार्मिक अध्ययन युद्धों के मामलों कविता नृत्य और संगीत में भी निपुण थी यह भी माना जाता है कि वह कई सैन्य अभियानों में बाजीराव के साथ भी लड़ी थी मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया था लेकिन स्थानीय ब्राह्मण समुदाय ने लड़के को मराठा साम्राज्य के लिए सही वारिस के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि मस्तानी आधी मुस्लिम थी उन्होंने यह भी अफवाहें फैला दी कि मस्तानी छत्रसाल की बेटी नहीं है वह केवल एक नर्तकी है कासिम मस्तानी से शादी कर रहे बाजीराव के खिलाफ नहीं थी उन दिनों में एक राजा दु... उन दिनों में एक राजा के दूसरे विवाह को नीचा नहीं देखा जाता था लेकिन काशीबाई और मस्तानी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी जब काशीबाई का पुत्र कम उम्र में ही मर गया एक तरफ काशीबाई अपने बेटे को खोने के दुख से उभर रही थी दूसरी तरफ मस्तानी साम्राज्य में धीरे धीरे प्रभावशाली हो रही थी इससे काशी परेशान थी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काशीबाई को मस्तानी के जवान लड़के से जलन हो गई थी बाजीराव और मस्तानी को अलग करने के लिए कई प्रयास किए गए थे सेवनटीन टर्टी फोर में बाजीराव ने कोथ रोड में मस्तानी के लिए एक अलग निवास का निर्माण किया यह स्थान अभी भी कार्वी रोड पर श्रीमंती जय मंदिर के पास मौजूद है अप्रैल ट्वेंटी वेवेंटीन फोर्टी को बाजीराव की उनतालीस वर्ष की उम्र में खराब सत की वजह से मृत्यु हो गई मस्तानी भी बाजीराव के निधन के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रही उनका भी निधन हो गया मस्तानी की मृत्यु के बारे में लिखित दस्तावेज नहीं है लोकप्रिय धारणा है कि बाजीराव की मौत के बारे में खबर सुनने के बाद उन्होंने जहर खा लिया था कुछ लोग कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव के अंतिम संस्कार में कूदकर सती हो गई थी कई इतिहासकार मानते हैं कि मस्तानी गंभीर हत्या का शिकार थी उन्हें कुछ लोगों द्वारा एक नर्तकी चित्रित किया गया था हालांकि वह भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थी बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अयासी नहीं जो लोग इसको दुनियावी चश्मे में लगे धर्म जात समाज के लाइन से देखते हैं उन्हें भी पेशवा बाजीराव और उन्हें टूट कर चाहने वाली मस्तानी की प्रेम कहानी में रूहानी एहसास मिलेंगे ये तो हमारी सिनेमाई कहानियाँ प्रेम के दृश्यों संवादों गीतों से पटी पड़ी हैं लेकिन यह संजय लीला भंसाली का कमाल है कि वह ऐसे नए अनूठे और अनदेखे संसार में रचते हैं उन्होंने इतिहास में मिलने वाली बाजीराव मस्तानी की कहानी को सिनेमाई लचीलेपन के साथ भव्य और मनोरंजक बनाया है हालांकि इससे कई लोग असहमत हैं परंतु इसमें संदेह नहीं कि भंसाली ने अतीत की एक प्रेम कहानी को पर्दे पर लाकर पुनर्जीवित किया है इसके बारे में लोग मराठा इतिहास से बाहर कम ही जानते हैं फिल्म कुछ हिस्सों में आपको क्लासिक आजम जैसा एहसास दिलाती है हिंदुस्तान के मुगल कालीन वर्वच वाले इतिहास में मराठों का उदय महत्वपूर्ण अध्याय है इसी अध्याय में पेशवा श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ भट्ट सत्रह से चालीस हुए उन्होंने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा लेकिन तलवार की ताकत से सबको झुका लेने वाला यह वीर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी के हाथों अपना दिल हार बैठा मस्तानी जिसकी रगों में राजपूत पिता और मुस्लिम माँ का रक्त दौड़ रहा था भंसाली की कहानी शुरुआती मिनटों में हर हर महादेव के नारों और लहराते भगवा ध्वजों के साथ बाजीराव की वीरता से परिचय करने के बाद उनके और मस्तानी के उन्मुक्त प्रेम का दाम्पत्य के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध तत्कालीन समाज के धर्मजात को लेकर संकीर्ण सोच के सामने लाने की तरफ बढ़ जाती है इन बातों के बीच बाजीराव और मस्तानी ऐसे किरदार के रूप में उभरते हैं जो प्रेम और मानवता का परचम बुलंद करते हैं इसके साथ एक अरुण कहानी बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई की है पेशवाई में सबसे ज़्यादा अनहान सहन करना पड़ता है पेशवाइन बाई पेशवा की पत्नी को इस किरदार की असहाय स्थिति को प्रियंका चोपड़ा ने खूबसूरती से निभाया है बंसाली अपनी कहानी में लगातार संदेश देते हैं कि प्रेम जाते धर्म के दायरों से ऊपर है प्रेम के लिए आप भी जी सकते हैं और मर भी सकते हैं फिल्म अपनी कहानी के साथ बेहतरीन दृश्यों के लिए यादगार है बंसाली ने महाराष्ट्र संस्कृत को पर्दे पर आकर्षक रंगों में रंगोली सा केरा है बबिता के बीच यह एक सादगी भी है और सब कुछ बहुत भड़काता तड़काता भी है यह आँखों को सुख देता है फिल्म में संवाद अच्छे हैं और कुछ शेरों शायरी भी हैं गीत संगीत नृत्य सुनने देखने में अच्छा है बाजीराव के रूप में रणबीर सिंह की एनर्जी काबिल तारीफ है किसी किरदार में इतना करंट आपने आखिरी बार कब देखा था यह सोचने के लिए आपको दिमाग पर अच्छा खासा जोर देना पड़ेगा मत चालीस साल की उम्र में गुजर जाने वाला है पेशवा युद्ध और प्रेम दोनों की अवस्थाओं में इतना ही ऊर्जावान रहा होगा रणबीर को देखकर यह विश्वास होता है मस्तानी के रूप में देविका सुंदर लगी हैं मगर योद्धा के रूप में वह और निखर कर आती हैं हालांकि बाजीराव के घर आने के बाद उनके किरदार की खूबियां कुछ सिमट सी गई मालूम पड़ती हैं निर्देशक उन्हें उभार सकता था परंतु ऐसे में वह प्रियंका पर भारी पड़ जाती प्रियंका को कहानी और पर्दे पर पर्याप्त जगह मिली है जिससे उन्होंने दर्शकों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यह उनके करियर की एक बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है बाजीराव की माँ आई साहेब के रूप में तानवी आजमी एक उमदा और यादगार रखने योग्य भूमिका में हैं ऐसा लगता है कि निर्देशक पर फिल्म को एक तय अवधि में समेटने का आंतरिक दबाव था इस कारण मस्तानी समेत कुछ किरदार थोड़े दबे रह गए इसी तरह कहानी तथा पटकथा में कल्पनाशीलता के साथ थोड़ी और मेहनत की गई होती तो यह फिल्म क्लासिक की श्रेणी में शामिल होती यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखन ही सिनेमा की रीढ़ है आइए जानते हैं बाजीराव मस्तानी से जुड़े कुछ फैक्ट्स इतिहास पर बनी यह भंसाली की पहली फिल्म है बंसाली ने बहुत समय पहले ही सलमान खान और असर राय को इस फिल्म में लेने की सोची थी बाद में सलमान खान ने कैटरीना को इस फिल्म में लेने की सिफारिश की थी लेकिन यह विचार काम नहीं कर पाया था बंसाली बाद में मस्तानी के किरदार के लिए करीना कपूर और काशिबाई के किरदार के लिए रानी मुखर्जी के पास गए थे लेकिन बात नहीं बनी थी इसके बाद दस साल बाद डायरेक्टर अजय देवगन के पास बाजीराव के किरदार के लिए गए लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण उन्होंने मना कर दिया रामलीला फिल्म की सफलता के बाद भंसाली ने अंत में रणबीर कपूर और दीपिका पाथकोड़ को फिल्म में लिया दीपिका ने कथक सीखने के लिए डांस क्लास ज्वाइन की थी रणबीर कपूर ने किरदार में ढलने के लिए सच में अपने बाल कटवाए थे प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए मराठी भाषा सीखी थी पिंगा गाने का यादगार स्टेप भंसाली के कुक ने बनाया था बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र के रूप में कोकड़ अस्था प्रांत में हुआ था जो छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे 20 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात साहू ने दूसरे अनुभवी और पुराने दावेदार को छोड़कर बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया इस नियुक्त से स्पष्ट हो गया था कि साहू को बाजीराव के बालपन से ही उनकी बुद्धिमता का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने पेशवा पद के लिए बाजीराव की नियुक्ति की बाजीराव सभी सिपाहियों के बीच लोकप्रिय थे और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है बाजीराव वह थे जिन्होंने इकतालीस या उससे भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी न हारने की वजह से विख्यात थे जनरल मोटा गोमरी ब्रिटिश जनरल और बाद में फील्ड मार्शल ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लिखित रूप में स्वीकार भी किया था अपने पिता के ही मार्ग पर चलकर मुगल सम्राटों को समझकर उनकी कमजोरियों को खोजकर उन्हें तोड़ने वाले बाजीराव पहले व्यक्ति थे सैयद बंधुओं की शाही दरबार में घुसपैठी या दखल अंदाजी बंद करवाना भी उनके आक्रमण का एक प्रभावी निर्णय था बाद में ग्वालियर के राजोसी सिन्देश का साम्राज्य इंदौर के होलकर बड़ौदा के गायकवाड़ और धार के पवार इन सभी का निर्माण बाजीराव द्वारा मराठा साम्राज्य के खंड के रूप में किया क्योंकि वे मुग़ल साम्राज्य के प्रतिशोध को लेकर उनका विनाश करके उनकी जागीरदारी बनाना चाहते थे उन्होंने अपना स्तंभ सासवट से और मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी पूजी को सेवनटीन ट्वेंटी एट में सातारा से पुड़े ले गए इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक कस्बे को शहर बनाने की भी नींव रखी उनके प्रमुख बापूजी जी श्रीपाठ ने सातारा के कई धनवान परिवारों को पूना स्थापित के लिए मनाया जो अट्ठारह पेट में विभाजित किया गया था सेवनटीन थर्टी टू में महाराजा छत्रसाल की मृत्यु पश्चात मराठा साम्राज्य मित्र साम्राज्य रूपी था जबकि बाजीराव को छत्रसाल साम्राज्य का एक तिहाई भाग बुंडेलखंड में दिया गया एक उत्कृष्ट सेना का सेनापति होने की वजह से उनकी सेना और लोग उन्हें बहुत चाहते थे वह कई बार हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों से लड़े और उन्हें धूल भी चटाई और हमेशा के लिए मुगलों को उत्तरी भारत पर ध्यान करने के पूर्व ही मध्य और पश्चिमी भारत से दूर रखा बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई और इन्हें दो जुड़वा बच्चे भी हुए बाद में नाना साहब को साहू ने 1740 में नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया और उनके दूसरे बेटे का नाम रघुनाथ राव था मस्तानी पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बाजीराव चौथे मराठा छतपथ साहू राज्य भोसले के साम्राज्य में मराठाओं के सेनापति और प्रधान थे ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी बहुत बहादुर और सुंदर महिला थी इतिहास में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति मस्तानी से जुड़े हैं और उनसे जुड़ी बहुत सी कथाएँ भी हैं मस्तानी बुंदेलखंड के राजपूत नेता राजा छत्रसाल की पुत्री थी जो बुंदेलखंड प्रांत के संस्थापक थे मस्तानी को जन्म उनकी फारसी मुस्लिम पत्नी जो हैदराबाद के निजाम के दरबार में नर्तकी थी जब सत्रह से सत्रह के समय पर अलाहाबाद के मुगल साम्राज्य प्रमुख मोहम्मद खान बंगाल ने छत्रसाल साम्राज्य पर आक्रमण किया तब छत्रसाल ने एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी जिससे उनकी सहन शक्ति बढ़ सके बाजीराव तुरंत महाराजा छत्रसाल की सहायता के लिए आगे बढ़े और धन्यवाद के स्वरूप छत्रसाल ने बाजीराव को उपहार स्वरूप अपनी बेटी मस्तानी दी और उनके साम्राज्य का एक तिहाई भाग भी दिया जिसमें झांसी सागर और कालपी का भी समावेश था महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव और मस्तानी के विवाह उपलक्ष्य में हीरो की खदान भेंट स्वरूप दी ऐसे कई सारे प्रसंग मस्तानी के जीवन से जुड़े हैं छत्रसाल से दूसरे दृष्टोष से देखा जाए तो वो हैदराबाद के निजाम की कन्या थी छत्रसाल को निजाम को सिक्सटीन नाइन्टी एट में पराजित किया था और निजाम की पत्नी ने बुंदेल और उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित होने हेतु तो उनकी बेटी से विवाह कराने की सलाह दी क्योंकि उस समय मध्य भारत में छत्रसाल साम्राज्य सबसे सशक्त और शक्तिशाली साम्राज्य था कहानी के तीसरे अध्याय के अनुसार बाजीराव और छत्रसाल की मित्रता होने के पश्चात मस्तानी या छत्रसाल के दरबार की नजर की थी बाजीराव मस्तानी के प्रेम में पड़ने के बाद उनका मस्तानी से विवाह हुआ जिसका बाजीराव उच्च दर्जे के ब्राह्मण होने की वजह से पूरे ब्राह्मण समुदाय एवं हिंदुओं ने विरोध किया जहां बाजीराव ने स्वीकार किया कि मस्तानिया अच्छर साल के फारसी मुस्लिम के पत्नी की बेटी थी मस्तानी का बाध्य रूप से विवाह होने के बावजूद अक्सर उसे बाजीराव के रखयाल या प्रेम का कहा जाता था मस्तानी एक कुशल घुड़सवार थी और साथ साथ भाला फेंक और तलवारबाजी भी करती थी और एक बुद्धमान नर्तकी एवं गायिका थी मस्तानी ने हमेशा सहन अभियान में बाजीराव का साथ दिया मस्तानी और बाजीराव की पहली पत्नी काशिबाई ने बाजीराव को एक एक पुत्र दिया परंतु काशिबाई का पुत्र जल्दी ही मर गया और मस्तानी का पुत्र था जिसका नाम शमशेर बहादुर था बाजीराव ने शमशेर को बांदा की जागीर प्रदान की थी सेवनटीन सिक्सटी वन के पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं की तरफ से लड़ा था और यह कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उसे वीरगति प्राप्त हुई बाजीराव काशीबाई और उनकी माता राधिबाई के मस्तानी के प्रति क्रोध को नज़रअंदाज कर उनके अपनी धर्म मुस्लिम पत्नी मस्तानी को प्रेम करता गया राधाबाई की ओर से रहते हुए बाजीराव का भाई हमेशा मस्तानी को वनवास भेजने की नाकाम कोशिश करता रहता था बाजीराव का पुत्र बालाजी भी मस्तान को उनके पिता को छोड़ने के लिए मजबूर करता था लेकिन मस्तानी इस सबसे असहमत थी परंतु बाजीराव बार, बार बार इसे नज़रअंदाज करते गए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बालाजी ने मस्तानी को जब बाजीराव अपने सैन्य अभियान में व्यस्त थे तब कुछ समय के लिए उसे घर में ही कैद करके रखा बाद में कुछ समय पश्चात मस्तानी बाजीराव के साथ पुणे के शनिवारवाड़ा में महल के उत्तर पूर्व किनारों पर महल को मस्तानी महल और बाहरी द्वार को मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया बाजीराव परिवार के मस्तानी के साथ दुर्व्यवहार के कारण बाद में बाजीराव ने मस्तानी के लिए सेवनटीन थर्टी फोर में कोट रोड में एक अलग निवास स्थान बनाया जो शनिवारवाड़ा से कुछ ही दूरी पर था यह स्थान आज भी कारवी रोड पर मृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है जहाँ कोथरूड के महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वो आज भी राजा केलकर संग्रहालय के विशेष विभाग में देखा जा सकता है परंतु इस संबंध में मस्तानी से जुड़े कोई सरकारी कागज बाजीराव के साम्राज्य में दिखाई नहीं देते इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजा केलकर संग्रहालय और वाई संग्रहालय में जो बाजीराव और मस्तानी की पेंटिंग्स लगी हैं वो परमाणु की आसली नहीं हैं अट्ठाईस अप्रैल में बाजीराव अपने खर गाँव की जमीन का निरीक्षण कर रहे थे तब आकस्मिक बुखार की वजह से उनकी मृत्यु उनतालीस वर्ष की उम्र में हुई तब काशिबाई चिमाजी अप्पा बालाजी और मस्तानी भी खरगा आए थे जहां अट्ठाईस से अप्रैल सेवनटीन फोर्टी को नर्मदा नदी के किनारे रावण खेड़ में उनके शरीर को अग्नि दी गई और इसके कुछ समय पश्चात ही पुणे के समीप पबल गांव में मस्तानी की मृत्यु हो गई उनके लिए दिल्ली में सैन का रास्ता भी बनाया गया जिसका शिविर खरगोन जिले में इंदौर के पास बना हुआ है उनकी याद में एक शिव मंदिर भी बनाया गया जो उसी के निकट स्थित है पैराणिक कथाओं के अनुसार बाजीराव की मृत्यु की खबर सुनते ही मस्तानी ने अपनी अंगूठी का जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी वही दूसरों का ऐसा मानना है कि उसके पति के दाह संस्कार के वक्त उसने बाजीराव की चिता पर छलांग लगाई थी परंतु इस प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जो मस्तानी की मृत्यु का असली कारण बता सके परंतु अक्सर कहा जाता है कि बाजीराव की सेवनटीन फोर्टी में मृत्यु के पश्चात मस्तानी ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रही मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव पर बनी पीरियडिक फिल्म को दर्शक खूब सराहा रहे थे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे थे वही दीपिका पादुकोण भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ़ करती हुई नजर आई थी एक्शन रोमांस और बेहतरीन डायलॉगबाजी से सजी फिल्म बाजीराव मस्तानी को एक बेहतर फिल्म कहा जा सकता है संजय लला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने की घोषणा साल 2003 में ही कर दी गई थी लेकिन तब संजय इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे कुछ कारणों के चलते बात नहीं बन पाई तो करीब बारह साल बाद संजय ने देविका और रणवीर सिंह को लेकर इस फिल्म को बनाया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फिल्म कितनी अच्छी है या बुरी फिल्म ऐतिहासिक कहानी मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव बलाल के जीवन पर आधारित है जो अपने साम्राज्य के साथ निजी जिंदगी पर बहुत ध्यान देते हैं बाजीराव की इच्छा है कि वह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके हालांकि आधे हिंदुस्तान पर वो अपना राज कायम कर चुके होते हैं वही इस फिल्म में बाजीराव की बीबी की कहानी भी काफ़ी रोचक है बाजीराव की शादी काशिबाई से होती है जो अपने पति बाजीराव से बेहद प्यार करती हैं युद्ध के दौरान एक बार बाजीराव का बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से आमना सामना होता है दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और जाने अनजाने में इनकी शादी भी हो जाती है मस्तानी खूबसूरती और वीरता की एक मिसाल है इनका विवाह कई लोगों जैसे बाजीराव की पहली पत्नी काशी बाई और बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा को नामंजूर है इसे समकच के साथ कहानी आगे बढ़ती है बाजी और मस्तानी की शादी की समस्या या बाजीराव और मस्तानी की शादी में समस्या यह होती है कि बाजीराव हिंदू हैं और मस्तानी मुस्लिम इसके बाद फिल्म की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आने लगते हैं इन दोनों के प्रेम कहानी और इसी के साथ युद्ध के भावात्मक तरह से फिल्म के संदेश को उनके साथ अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं क्या बाजीराव मस्तानी का यह शख्त दुनिया को गंवरा होगा क्या इसके अंत में सब ठीक होता दिखेगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस फिल्म में आपको मिलते हैं फिल्म में दिखाया गया खूबसूरत भविष्य संजय लीला भंसाली की झलक दिखाता है फिल्म के गानों ने पहले से ही लोगों को दीवाना बना रखा था और बड़े पर्दे पर इन्हें देखना एक अच्छा अनुभव हो सकता है इसके अलावा दीपिका और रणबीर सिंह की शानदार केमिस्ट्री हम पहले से ही गोलियों की रासलीला रामलीला में देख चुके हैं इसे भंसाली ने काफी अलग ढंग से इस फिल्म में पेश किया है इनकी प्रेम कथा यहाँ दर्शकों के दिलों को छू जाएगी करीने में पृत्यु हुई नजर आएगी आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तकरीबन पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी आपको बता दें कि संजय लीला भं... आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तरकीब पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी संजय लीला भंसाली लंबे समय से बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे देवदास के समय से ही उन्होंने इस पर भी सोचा था तब उन्होंने सलमान खान और रानी मुखर्जी के नाम पर विचार किया था संयोग ऐसा रहा कि वह फिल्म नहीं बन सकी फिर भी बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी उन्हें मतती रही इस दौरान उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति की जिज्ञासा रहती थी कि आखिर कब बाजीराव मस्तानी पर फिल्म बनेगी गोलियों की रासलीला रामलीला के निर्माण निर्देशन और सफलता के बाद संजय ने महसूस किया कि रणबीर सिंह और दीपिका पादकौड़ के रूप में उन्हें अपने किरदार मिल गए हैं और उन्होंने फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया शुरुआत में फिल्म धीरी रही लेकिन जब एक बार उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो प्रतिद्वंदी फिल्म को अच्छी टक्कर दे डाली संजय लीला भंसाली गुजराती हैं लेकिन बचपन से वो मराठियों के बीच रहे हैं मराठी संस्कृत और भाषा का उन पर बहुत प्रभाव है बाजीराव मस्तानी के निर्माण की वजह से पूछने पर वह बताते हैं मैं बचपन से मराठी सभ्यता संस्कृत और संगीत से जुड़ा रहा हूँ मराठा इतिहास में अनेक रोचक घटनाएँ हैं कई दिलचस्प कहानियाँ हैं उनमें से एक बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी है मैं उसे पर्दे पर लाना चाहता था आप देखें कि बहादुर बाजीराव ने चालीस लड़ाइयाँ जीती मस्तानी की वजह से वह अपने परिवार के आगे हार गया वह चाहता तो सभी के विरोध के बावजूद मस्तानी को महल में ला सकता था वह योद्धा था गौर करे तो हर युग में जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसका विरोध होता है आज भी हो रहा है मेरे लिए जाना जानना रोचक था कि बाजीराव ने ऐसा क्यों किया इस फिल्म में कलाकारों के सटीक चुनाव की अहम भूमिका रही बाजीराव के किरदार में रणबीर सिंह मस्तानी के लिए दीपिका पातकोड़ और काशी के लिए प्रियंका चोपड़ा को बाजीराव मस्तानी में लाने का मन संजय लीला भंसाली ने गोलियों की रामलीला रासलीला से ही बना लिया था रणबीर और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए भी उपयुक्त लगी काशी बाई की भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा के चुनाव ने जरूर हैरत में डाला फिल्म में काशी के लिए कम स्पेस था प्रियंका चोपड़ा बताती हैं रोल सुनते समय संजय सर ने मुझे स्पष्ट कहा था कि काशी मेरी फिल्म का संघर्ष है उन्होंने सबसे पहले मेरी कास्टिंग की थी फिल्म में काशीबाई के किरदार को संजय सर ने उस समय की एक समझदार औरत के रूप में दिखाया है जब उसे एहसास हो गया कि उसका पति मस्तानी के प्रेम में डूबा हुआ है तो उसने उसे मुक्त कर दिया आखिर में उसने अपने पति के लिए मस्तानी को आज़ाद भी किया और एक औरत का दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपने समर्पण के लिए कुछ भी कर सकती है बाजीराव मस्तानी में अपूर्व भव्यता है संजय लीला भंसाली की यह बाखूबी है कि उनकी फिल्मों के सेट विशाल और भव्य होते हैं इस फिल्म के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में सेट लगाए गए इसके अलावा राजस्थान के ऐतिहासिक किलों में भी शूटिंग की गई युद्ध के दृश्यों के लिए मैदानी इलाकों का चुनाव किया गया संजय अपनी हर फिल्म में एक नया रंग चुनते हैं पूरी फिल्म में उसी रंग की छुटाएँ दिखती हैं बाजीराव मस्तानी में मराठा इतिहास के साछ और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के रंग और वास्तु का ध्यान रखा गया उन्हीं के मेल में सेट तैयार किया गया कास्ट्यूम और हथियारों की रिसर्च में सभी जानकारियों और बारीकियों का काफ़ी ध्यान रखा गया संजय लीला भंसाली इस बात के लिए विख्यात हैं कि वो अपनी फिल्म में जरा भी हेर फेर नहीं करने देते हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट रहती है कलाकारों को सब बता भी दिया गया होता है लेकिन सेट पर कैमरा ऑन होने के पहले सीन और टैग बदला जा सकता है सभी कलाकार दोहराते हैं कि संजय लीला भंसाली उनकी मेहनत और तैयारी पर पानी फेर देते हैं संजय अपने बचाव में कहते हैं मैं हर दिन के मोड के हिसाब से शूटिंग करता हूँ एक मोटा सा तैयार रहता है लेकिन कलाकारों की ऊर्जा सहयोगी कलाकारों के जोश और रोशनी के हिसाब से सब कुछ बदल भी सकता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई पहले से कुछ सोच कर आए और उसे ही निभा संतुष्ट हो ले अचानक बदलाव हो तो कलाकार की योग्यता और क्षमता निखर कर आती है रणबीर सिंह बताते हैं संजय सर की टीम ने सारी रिसर्च कर रखी थी फिल्म शुरू करने के साथ मुझे रिसर्च मटेरियल दे दिया गया साथ एक मराठी कोच भी मेरे साथ कर दिया गया इस फिल्म में योद्धा की तैयारी के समय लगा मुझे फिजिकली ही बहादुर दिखना था मैं अपनी तैयारी को महीनों और समय से काउंट नहीं करना चाहता था सेट के पास रह सकूं इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने अपना घर भी बदल लिया था मेरे लिए बाजीराव एक बहुत बड़ी चुनौती थी फिल्म को मिली सराहना और अपनी तारीफ के बाद लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल रही हिंका चोपड़ा अपने निर्देशक संजय लीला भंसाली की कल्पना की कायल हैं वह कहते हैं कि इसी फिल्म की बात करें तो कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़कर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी फिल्म बन जाएगी मेरे ख्याल में हर सीन के विजुअल उनके दिमाग में बनते रहते हैं जिन्हें वह अपनी टीम की मदद से साकार करते हैं उनके साथ काम करने में इसलिए अधिक मजा आता है क्योंकि वो ऐसे दरअसम पहली बार कर रहे होते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों में अभिनेत्रियाँ बला की खूबसूरत दिखती हैं दीपिका पादुकोण बताते हैं हमें भी नहीं मालूम रहता कि किसी कोर से हम इतने खूबसूरत लग सकते हैं उन्होंने दोनों ही फिल्मों में मुझे जिस सौंदर्य के साथ पेश किया उस रूम में दूसरे निर्देशक मुझे नहीं देख सके उनकी फिल्मों में सिर्फ अभिनेत्रियाँ ही नहीं परिवेश में भी सौंदर्य झलकता है संजय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मेरी फिल्म मुगल आजम को दीघ्र श्रद्धांजलि है अगर किसी को नकल या प्रेरणा लग रही हो तो यह स्वाभाविक है मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता लेकिन इक्सवीं सदी के दर्शकों को एक पीरियड और प्रेम कथा की फील तो दे ही सकता हूँ मुझे खुशी है कि दर्शकों ने फिल्म को सराहा बाजीराव मस्तानी फिल्म में भले ही बाजीराव और मस्तानी के लिए कई कलाकारों का नाम सामने आया लेकिन इन दस सालों में काशिबाई के लिए एक इनाम फाइनल हुआ जिसे अंत में वह भूमिका पर्दे पर साकार की या थी प्रियंका चोपड़ा को प्रियंका की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था संजीव भंसाली की यह फिल्म भव्यता और इतिहास में लिपटी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो धर्म या मजहब की दीवार से टकराती है और इसी टकराहट की वजह से इसमें खड्यंत का ताना बाना भी है बंसाली ने 18वीं सदी के पुर्बाद के मराठा नायक बाजीराव पेशवा और बुंदेल राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के रिश्तों को आधार बनाकर फिल्म की कहानी रची है छत्रसाल अपने राज्य की रक्षा के लिए बाजीराव से अनुरोध करते हैं और बाजीराव उनकी तरफ से लड़ाई के लिए आते हैं वहीं उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है मस्तानी खुद भी एक योद्धा है और बिरांगना भी उसकी तलवारबाजी के आगे बड़े बड़े सुरमा फीके हैं पर उसकी अदाएं भी कातिल हैं फिर बाजीराव कैसे बच जाते बाजीराव और मस्तानी के बीच प्रेम पलता है बाजीराव की शादी हो चुकी है पर बाजीराव मस्तानी को पत्नी का दर्जा देना चाहते हैं यह ना बाजीराव के माँ राधाबाई को स्वीकार है और ना पेशवा के दूसरे कई दरबारियों को वजह यह नहीं कि मस्तानी दूसरी औरत है वजह यह है कि वो मुस्लिम है एक धुंद शुरू होता है और कई जिंदगी पर असर डालता है बिरंगना मस्तानी का दिल आहत होता है बाजीराव मस्तानी में रणभूमि में लड़ा जानलेवा युद्ध भी है जो बेहद प्रभावशाली है और आज महलों के भीतर होने वाली राजनीतिक पैंतरेबाजी भी और इन दो चेरों के बीच एक पुरुष और दो स्त्रियां बाजीराव मस्तानी और काशी बाजीराव ने मस्तानी को चाहा है और वो भी बाजीराव को उसी जज्बे से चाहती है और काशी वह क्या करे वो भी बाजीराव से प्रेम करती है पर मस्तानी से कैसा संबंध रखे उसे स्वीकार करे या अस्वीकार अस्वीकार किया नहीं जा सकता और स्वीकार करना कठिन है काशी दोनों के बीच झूलती है इन्हीं और ऐसे ही कई जज्बाती किनारों को छोती बाजीराव मस्तानी मानवीय भावनाओं के कई पहलुओं को दिखाती है रणबीर सिंह ने बाजीराव का किरदार निभाया है और दीपिका पादकोड़ ने मस्तानी का रणबीर बाजीराव के चित्र में कई सूक्ष्म मनोभाव के पकड़ते हैं और साथ ही उनके रण बांकुरे के रूप में भी सामने लाते हैं प्रियंका चोपड़ा बाजीराव की पत्नी काशी बनी है प्रियंका हालांकि कम दृश्यों में दिखी हैं पर जितना दिखे उसमें वह एक ऐसी किरदार के सामने लाती हैं जो अपनी गर्मा की स्थापित करती है और उदारता भी और मस्तानी की भूमिका में देवका एक तरफ युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाती हैं तो दूसरी तरफ बाजीराव के लिए सम्पूर्ण समर्पण जिस पिंगा गाने के दृश्य में प्रियंका और दीपिका एक साथ दिखी हैं वो भंसाली की एक और फिल्म देवदास की याद दिलाता है जिसमें माधुरी दीक्षित तो और आश्वर्या राय बच्चन ने एक साथ डोला रे डोला गाते हुए दिखी थी भंसाली अपनी फिल्मों के गाने को जिस तरह से फिल्माते हैं वो सिर्फ संगीतात्मक नहीं होता बल्कि कहानी के भीतर निहित सघनता को बढ़ाने वाला होता है बाजीरा मस्तानी के कई ऐसे गाने हैं तुझे याद कर लिया है आयात की तरह और अलबेला साधन आयोरी बोल वाले ऐसे गाने हैं पर बात सिर्फ बोल और भावों की सघनता की नहीं है भंसाली जिस तरह गाने के दृश्य को सजाते हैं उससे लगता है कि कोई पेंटर एक बड़े कैनवास पर रंग बिरंगी दृशवाली को उकेर रहा है उनके गानों की कोरियोग्राफी और उनका फिल्मांकन भी लाजवाब होता है इन गानों को सुनने का आनंद तो है लेकिन देखते वक्त सुनने का अलग मजा है भंसाली की यह फिल्म वस्त्र सज्जा यानी कास्ट्यूम के ख्याल से भी लुभावनी है कुछ साल पहले भंसाली की फ़िल्म सावरिया और शाहरुख खान की ओम शांति ओम एक ही दिन रिलीज हुई थी और इसमें जीत हुई थी ओम शांति ओम की इस बार बाजीराव मस्तानी और दिलवाले सामने आई थी बाजीराव मस्तानी रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म की चर्चा मीडिया में शुरू हो गई थी दरअसल ग्लैमर इंडस्ट्री में आज भंसाली की इमेज ऐसे चंद बेहतरीन फिल्म मेकर्स में की जाती है जो बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ मसालों के साथ कहीं समझौता नहीं करते वरना ऋतिक रोशन जिससे स्टार को स्टार टू लास्ट व्हील चेयर पर बिठा गुजारिश बनाने की कल्पना तक इंडस्ट्री का दूसरा कोई नहीं कर सकता एक बार भंसाली ने अपने बरसों पुराने एक सपने को सिल्वर स्क्रीन पर साकार किया था जो उन्होंने बारह तेरह साल पहले देखा था हालात ऐसे बने कि स्क्रिप्ट पर काम करना लगभग पूरा होने के बावजूद भंसाली को अपने इस सपने को साकार करने में इतना लंबा वक्त लग गया फिल्म की मेकिंग सेट्स और संवादों की तुलना बहुत पहले से के आसिफ साहब की एवर ग्रीन फिल्म मुगल आजम के साथ की जा रही थी जिस तरह से आसिफ ने अपनी फिल्म के लीड किरदार शहजादा सलीम के माध्यम से शहसाह अकबर प्यार का पैगाम पहुंचाया था वैसे ही भंसाली की इस फिल्म में भी यही काम पेशवा बाजीराव ने किया है यकीन या भंसाली साहब का कमाल है कि उन्होंने मराठी कल्चर के साथ साथ उस वक्त के माहौल को भी बेहतरीन ढंग से पर्दे पर उतारा है बेशक इस फिल्म में आयना महल में फिल्माया गया गाना और कुछ संवाद आपको क्लासिक मुग़ल आजम की याद दिला देते हैं कहानी सत्रह के दौर की है जब मराठा साम्राज्य का महान योद्धा पेशवा बाजीराव बल्लाड़ अपने साम्राज्य का चारों ओर विस्तार करने में लगा हुआ था बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई थी काशी बाई की नज़रों में बाजीराव जैसा दुनिया में कोई दूसरा और नहीं था सुबह खुद से कहीं ज़्यादा बाजीराव को पसंद करती थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगातार बिजी बाजीराव युद्ध और रणभूमि में ही ज़्यादा वक्त गुजारता था इसी दौरान एक दिन बाजीराव का सामना बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से होता है मस्तानी बेहद सुंदर तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में उसकी महारत थी युद्ध के मैदान में मस्तानी बाजीराव से मदद लेने आई ताकि अपने पिता के राज को आक्रमणकारियों से बचा सके इसी युद्ध के दौरान मस्तानी और बाजीराव एक दूसरे को चाहने लगते हैं इसके बाद दोनों विवाह में भी बन जाते हैं बाजीराव हिंदू हैं और मस्तानी मुसलमान ऐसे में दूसरे धर्म की लड़ाई के साथ बाजीराव की शादी उनकी पहली पत्नी काशी बाई के अलावा माँ बहन भीहू बाई के अलावा उनके भाई चिमा जी को मंजूर नहीं लेकिन सभी बाजीराव की खुशी के सामने खामोश थे रणबीर को पेशवा के किरदार में देखकर सहज विश्वास नहीं होता कि ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ अर्सा पहले ही करियर शुरू करने वाला एक हर मौला एक्टर इस कदर बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकता है पेशवा के किरदार में रणबीर की एनर्जी और उनकी संवाद अदायगी का बदला अंदाज आपको यकीन पसंद आएगा मानना होगा रणबीर सिंह इस फिल्म का सबसे सशक्त पक्ष है उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखकर लगेगा रणबीर शूटिंग के दौरान इस किरदार में पूरी तरह से खो गए पेशवा के किरदार के लिए उन्होंने मराठी लहजे पर जबरदस्त मेहनत की है मस्तानी के रोल में दीपिका पातकोड़ सुंदर लगती हैं तो साथ ही हाथों में तलवार लिए दीपिका का दूसरा लोग उनके अभिनय को और निखारने का काम करता है प्रियंका ने अपने किरदार को असर ढंग तरीके से प्रियंका ने अपने किरदार को असर ढंग तरीके से निभाया है यकीन काशीबाई का किरदार उनके करियर की चंद बेहतरीन भूमिकाओं में से अपनी जगह बनाने का दम रखता है बाजीराव की माँ यानी आई साहब के किरदार में तानवी आजमी ने ऐसा उमदा सजीव दमदार अभिनय किया है जो लंबे अरसे तक याद रहेगा भंसाली ने अपनी इस फिल्म में आज के माहौल में ऐसा संदेश देने की अच्छी पहल की है जिसकी आज नहाय ज़रूरत है यानी प्यार का कोई धर्म नहीं होता बस वही भंसाली अपनी फिल्म को बेहतरीन महंगे शर्ट्स और हिंदी फिल्मों में कम ही नज़र आने वाले दृश्यों के साथ दिखने के लिए जाने जाते हैं हम दिल दे चुके सनम में गुजराती कल्चर तो इस बार भंसाली ने अपनी इस फिल्म में महाराष्ट्रन कल्चर को असरदार ढंग से पर्दे पर आकर्षक रंगों के साथ पेश किया है भंसाली की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने रणबीर सिंह से पेशवा बाजीराव के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिखाया इस फिल्म के लगभग सभी गाने रिलीज से पहले ही काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे भंसाली ने फिल्मी पर्दे पर इन गानों को टोटली मराठी अंदाज में पेश किया था इस फिल्म का गाना आले बाला साजन सलमान स्टार फिल्म हम दिलजुके दिल सनम के गाने की याद दिलाता है बाजीराव मस्तानी फिल्म संजय लीला भंसाली का 12 साल पुराना सपना है जो आखिरकार उस शुक्रवार को दर्शक के सामने आया था और उनके सामने में रंग भरे थे रणवीर सिंह देवका पातकोड़ और प्रियंका चोपड़ा मिलन सोमन महेश मांजरेकर और तानवी आजमी ने संगीत निर्देशन और निर्देशक की कमान संभाली थी खुद संजय लीला भंसाली ने और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की थी सुदीप चटर्जी ने बाजीराव मस्तानी मराठा इतिहास का वह पन्ना है जिसे मराठी लेखक एन एस इनामदार ने उपन्यास के रूप में ढाला जिसका नाम था राहू संजय यह फिल्म सलमान खान और अश्वर राय के साथ बनाना चाहते थे संजय अपने क्राफ्ट के लिए मशहूर हैं और ख़ास तौर पर बात आती है सेट कास्ट्यूम लाइटिंग और संगीत की खास तौर पर जब बात आती है सेट्स कास्ट्यूम लाइटिंग और संगीत की तो हर बार आपको उनसे नई उम्मीदें होती हैं और वे उन पर खड़े भी उतरते हैं और ऐसा ही होता है बाजीराव के साथ भी कमाल के दृश्य भव्य सेट बारीकी से की गई कास्ट्यूमिक डिजाइन बेहतरीन संगीत और काबिल तारीफ डांस फिल्म की भव्यता देखते ही बनती है अक्सर संजय अपनी फिल्मों में रंग से खेल अक्सर संजय अपनी फिल्मों में रंगों से खेलते हैं पर इस फिल्म में संजय ने ज़्यादा भड़कीले रंग इस्तेमाल न करके एक जैसे रंग का इस्तेमाल किया है जो फिल्म को एक फील देता है और अच्छा लगता है युद्ध के दृश्य की बात करें तो इस मामले में मुझे या तो पृथ्वी राज कपूर के सिकंदर या बाहुबली के प्रभावित किया और या कुछ हद तक बाजीराव ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में रणबीर की मेहनत साफ नज़र आती है और उनका अभिनय देख आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते पर मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा कहीं अपने डील डोल के मामले में मात खाते हैं दीपिका और प्रियंका चोपड़ा अपने किरदार में सटीक हैं और दोनों का ही काम बहुत खूबसूरत है फिर बात चाहे उनके अभिनय की हो या फिर डांस की वैसे एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर चमक धमक में कभी कभी फिल्म की कहानी की आत्मा कहीं खो जाती है ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ इस फिल्म के साथ जहाँ बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी आपके दिल में नहीं उतर पाती इनकी प्रेम कहानी की गहराई पर्दे पर नहीं उतर पाती और जिसकी वजह से दर्शक उसे महसूस नहीं कर पाते उसमें कमी कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की है इसके अलावा देविका के किरदार उनकी माँ मुस्लिम हैं और पिता हिंदू जो नमाज भी पढ़ती हैं तो उसे किरदार के तलफ़ुज की ओर तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा यह फिल्म आपको देखनी चाहिए इसकी रेटिंग है थ्री स्टार अकॉर्डिंग टू एन इंडिया संजय लीला भंसाली की मूवी आई तब ज्यादातर लोगों को पता चला कि देश में कोई बाजीराव भी था कोई मस्तानी भी थी और उसका कोई बेटा भी था उस बेटे के नाम और धर्म को लेकर जो विवाद हुआ वो भी इस मूवी बाजीराव मस्तानी के जरिए ही लोगों को पता चला फिल्म बाजीराव मस्तानी खत्म हो जाती है और इसके बाद का इतिहास भी लोगों के लिए खत्म ही हो गया लेकिन ऐसे में बाजीराव के कृष्ण और शमशेर की बहादुरी की दास्तान खत्म नहीं हुई लेकिन ऐसे में बाजीराव के कृष्ण और शमशेर की बहादुरी की दास्तान खत्म नहीं हो गई बल्कि वो इतिहास के पन्नों में आज भी दबी पड़ी हैं और 14 जनवरी से बेहतर उन पन्नों पर धूल हटाने का और कोई मौका नहीं पानीपत के तीसरे युद्ध में जो 14 जनवरी सत्रह को हुआ था 18वीं शताब्दी में एक ही दिन में एक साथ इतनी मौतों का उदाहरण पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता यह दिन था लगातार जीतों के बाद मराठों के दम्भ के चकनाचूर होने का एक विदेशी अहमद शाह अब्दाली के साथ घर के भेदियों रोहिल्ला अफगानों और आवध के नवाब के गठजोड़ का और कई हिंदू राजाओं के ना किसी वजह से युद्ध से दूर रहने का साथ ही कभी अपनी तेजी के लिए विख्यात मराठा सेना मुगल सेना जैसी लव लश्कर वाली सेना में तब्दील के फैसले को गलत साबित होने का और इसके लिए उन्हें भारी कीमत देनी पड़ी तो दौला के दीवान का सिराज ने इस युद्ध के लिए लिखा था करीब चालीस हजार मराठा युद्ध बंदियों को काट दिया गया था दौला की माँ ने उसे सलाह भी दी थी कि रोहिल्लो के खिलाफ तुम्हारे पिता तुम्हें मराठों का साथ देना चाहिए लेकिन वह नहीं माना लेकिन वह नहीं माना जिसकी मराठों को उम्मीद न थी उम्मीद ये भी नहीं थी कि मजबूत जाट राजा सूरज महल से उराव से नाराज होकर युद्ध में उनका सहयोग करने से हाथ खींच लेगा जिसके चलते आसपास के इलाकों की जाटों ने भी मराठों को सहयोग करने से मना कर दिया अब्दाली ने जैसे ही मराठों की सप्लाई लाइन काटी मराठे स्थानीय मदद के बिना एक दिन पंगु हो गए काफी भयंकर युद्ध हुआ और तमाम मराठा सेनापति इस युद्ध में मारे गए और बाकी पकड़े गए और काट डाले गए इन्हीं मराठा योद्धाओं के बीच एक और मराठा मुसलमान बड़ी वीरता से लड़ रहा था लेकिन उसके पास कम सेना थी केवल की घुड़सवार टुकड़ी का सेनापति था था नाम था उसका बहादुर मराठा सेना हथियारों के सहारे लड़ने के चलते बुरी तरह मात खा रही थी वही शमशेर बाजीराव पद से तीव्र घर से दौड़ते घोड़ों से ही युद्ध में मोर्चा संभाल रहा था और शायद पूरी सेना वही तकनीक अपनाती तो कारगर भी रहता उस वक्त सभी बड़े मराठा सेनापति मारे जा चुके थे तब सुध ली गई शमशेर बहादुर की बाजीराव मस्तानी का वो बेटा जिसका नाम बाजीराव ने बड़े प्यार से कृष्णर राव रखा था लेकिन पुना के पुरोहितों ने उसका उपनयन संस्कार के लिए से मना कर दिया था क्योंकि वो एक मुसलमान मस्तानी की कोख से जन्मा था बाजीराव उस वक्त पुरोहितों से भिड़ गया था मस्तानी ने उसका नाम शमशेर बहादुर रख दिया था सत्रह में पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की मौत के बाद मस्तानी भी ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाई मस्तानी की मौत के समय कुल छः साल का ही था शमशेर बहादुर उर्फ कृषोड़ा राव अब तक उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भरी थी कई बार उसे मारने की कोशिश भी की गई थी ऐसे में सामने आई काशीबाई बाजी राव की पहली बीवी जो बाजीराव की आखिरी निशानी था पेशवा खानदान का चिराग था और काशीबाई मस्तानी से नाराज़ होने के बावजूद कृषण से नाराज नहीं थी उन्होंने उसे अपने महल में ही रहने को बुला लिया और अपने ही बच्चों के साथ पाला साथ ही पढ़े साथ ही खेले और युद्ध का प्रशिक्षण भी साथ ही लिया पानीपत के तीसरे युद्ध में यानी सत्रह सौ इकसठ तक शमशेर बहादुर उर्फ कृष्णा राव सत्ताईस साल का हो चुका था उसका निकाह हो चुका था और उसके एक बेटा भी था अली बहादुर काशीबाई ने उसे पेशवा का बेटा मानकर ही उसके हिस्से में बुंदेलखंड की कालपी और बांदा की जागीरें दे दी बचपन में इतने तिरस्कार के बावजूद उसने कभी विद्रोह की कोशिश नहीं की मराठों और पेशवा खानदान के प्रति हमेशा वफादार रहा तभी तो पानीपत के तीसरे युद्ध में वो अपने पाँच हजार घुड़सवाड़ों के साथ वक्त से पहले तैयार था साथ वही वो अकेला योद्धा था जो आखिर तक अब्दाली और सुजाउद दौला छकाता रहा आखिर में वो बुरी तरह घायल हो गया और उसके सैनिक उसे बचाकर ले भागे भरतपुर के पास जाटों ने उसको शरण दी राजा सूरजमल की सेना ने सैकड़ों मराठा सैनिकों को शरण दी उनके घावों पर मरहम लगाया शमशेर बहादुर और उनकी सेना को भी सूरजमल और उनकी रानी ने काफी मदद की लेकिन शरीर के घाव काफ़ी गहरे थे उससे ज्यादा यह सदमा था कि पूरा मराठा साम्राज्य खत्म सा हो गया था जिसके साथ वो पला बड़ा खेला था वो अब जिंदा नहीं थे शमशेर की वही मौत हो गई और उसकी याद में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में ही एक मकबरा बनवा दिया उस मकबरे में आज भी बाजीराव और मस्तानी के चित्र लगे हुए हैं इधर शमशेर बहादुर की मौत के बाद बेटे अली बहादुर ने उसकी जागीरें संभाल ली और बांदा शहर के नवाब की पदवी ली अली बहादुर का बेटा बाद में 1803 में हुए अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ा भी था इस तरह बेटे शमशेर उर्फ कृष्ण ने मरते दम तक अपनी मां मस्तानी के वचन की और पिता बाजीराव की विरासत की लाज रखी संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म बाजीराव मस्तानी आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि लोग अपने प्यार की तुलना बाजीराव मस्तानी से करते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार थी लेकिन साथ ही इस फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया था उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के लिए संजय लीला भंसाली ने किन जगहों को चुना था चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी है वो जगह है जहाँ पर बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी लिखी और शूट की गई थी अजमेर के सबसे फेमस किले की लिस्ट में शामिल अमेर फोर्ट में बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी शूट की गई थी आमेर किला यूनेस्को की लिस्ट में एक विश्व विरासत स्थल है साथ ही राजस्थान के टूरिस्ट अट्रैक्शन की भी लिस्ट में शामिल है अमर फोर्ट एक ऊंची पहाड़ी पर राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था यहां आपको बता दें कि अंबार या आमेर शब्द अम्बा देवी माँ से लिया गया है ऐसा कहा जाता है कि आमिर फोर्ट देखे बिना राजस्थान को अलविदा नहीं कहना चाहिए जब बाजीराव मस्तानी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि एक मराठी योद्धा की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना इतना आसान नहीं है पर राजस्थान के कुछ बेहतरीन किले ने उनके काम को आसान बनाने में मदद की दीपिका पादगौड़ के लिए भी लड़ाई के कुछ सीन की शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन उन्होंने करके दिखाया इस फिल्म के रिलीज होने से पहले रणबीर सिंह दीपिका पादकोड़ और प्रियंका चोपड़ा ने शूटिंग के दौरान कई किस्से मीडिया के साथ शेयर किए कि कैसे उन्होंने इतने सारे भारी भरकम कहने राजस्थान के कई फोर्ट में शूटिंग की सीशा महल कितना सुंदर है शायद इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत हो रणबीर सिंह और दीपिका पादकोड़ के बेस्ट रोमांटिक सीन को दिखाने के लिए सीशा महल का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया शीसा महल को दर्पण के हाल के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ हाल जय मंदिर का एक हिस्सा ही है जो बेहद खूबसूरती से दर्पणों से सजाया गया है सीशा महल में छत और दीवारों पर लगे शीशे के टुकड़े लाइट पर पड़ने पर प्रतिबिंबित होते हैं जिसकी चमक पूरे हाल में फैल जाती है इस महल को जयपुरी के राजा जय सिंह ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया था ऐसा कहा जाता है कि इस महल में लगे शीशे बेल्जियम से लाए गए थे इन सब किलों के अलावा जयगढ़ फोर्ट में भी बाजीराव मस्तानी के कई सीन की शूटिंग की गई थी बाजीराव मस्तानी फ़िल्म की शूटिंग की लोकेशन के बारे में जानने के बाद अगर ऐसा कहा जाए कि संजय लीला भंसाली को राजस्थान से खास लगाव है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा बाजीराव मस्तानी की कहानी पर फिल्म बनाने का सपना संजय लीला भंसाली वर्षों से संजोए हुए थे जो अब जाकर साकार हुआ था उन्होंने यह फिल्म सलमान खान और ऐश्वर्य राय को लेकर प्लान की थी और अब इसे रणबीर सिंह प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पातकोड़ के साथ बनाया था फिल्म एक लंबे डिस्क्लेमर से शुरू होती है जो कि किसी तरह के विवाह से बचने की पतली गली है स्पष्ट है कि यह बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी पर आधारित है लेकिन निर्देशक ने ड्रामे को मनोरंजक बनाने के लिए अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा है फिल्म एन एम इनामदार के उपन्यास राव पर आधारित है मराठा शासक पेशवा यानी रणबीर सिंह से बुलंदेलखंड के राजा अपनी बेटी मस्तानी यानी दीपिका पादकोड़ के जरिए दुश्मन से निपटने के लिए मदद मांगते हैं बाजीराव अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं मस्तानी भी युद्ध में बाजीराव के साथ हिस्सा लेती हैं उनके सौंदर्य और बहादुरी से बाजीराव प्रभावित होते हैं दूसरों ओर मस्तानी बाजीराव के इश्क में दीवानी हो जाती हैं बाजीराव से बताते हैं कि वह शादीशुदा हैं काशी यानी प्रियंका चोपड़ा उनकी पहली पत्नी है एक बेटा है लेकिन मस्तानी तो इश्क में डूब चुकी थी युद्ध के बाद बाजीराव पुनः अपने नए महल शनिवारवाड़ा में लौट जाते हैं कुछ दिनों बाद मस्तानी भी बुंदेलखंड से पूना आ जाती है अब बाजीराव और मस्तानी की मोहब्बत के बाद बाजीराव के पत्नी काशी और उनकी माँ यानी तानवी आजमी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुँचता है मस्तानी का अपमान किया जाता है मस्तानी हिंदू पिता और मुस्लिम माँ की संतान है मुस्लिम धर्म को मानती हैं इस वजह से ब्राह्मण इस रिश्ते का विरोध करते हैं बाजीराव देखते हैं कि मस्तानी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो मस्तानी से बुआ रचा लेते हैं और उसके लिए मस्तानी महल बनवा देते हैं तमाम विरोधियों के बावजूद मस्तानी और बाजीराव का इश्क कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता है और कहानी मुख्यतः काशी बाजीराव और मस्तानी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म का स्क्रीन प्ले प्रकाश आर कपाड़िया संजय लीला भंसाली और मल्लिका दत्त घराड़े ने मिलकर लिखा है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये तो वह ही बेहतर जानते हैं लेकिन स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि फिल्म बांध कर रखती है एक के बाद एक बेहतरीन दृश्य आते रहते हैं और आप बाजीराव मस्तानी की दुनिया में खो जाते हैं फिल्म एक शानदार युद्ध दृश्य से शुरू होती है और फिर बाजीराव मस्तानी के इश्क पर आ जाती है ड्रामे में जान तब आते हैं जब मस्तानी पूना आती है और तमाम विरोध अपमान सहते हुए बाजीराव के प्रति इश्क जारी रखती है यहाँ से तीनों किरदारों की मनोदशा को बेहद सूक्ष्मता के साथ संजी लीला भंसाली ने पेश किया है एक और मस्तानी है जिसका बिना शर्त वाला इश्क जो उसके लिए इबादत है खुदा है तो दूसरी ओर महजब और रिश्तों के बीच झगड़ा हुआ बाजीराव जिसके इश्क को दुनिया समझ नहीं पाती और वह सभी की नज़र में खलनायक बन गया है मस्तानी को मान सम्मान दिलाने के लिए वह सबसे भिड़ जाता है इन दोनों के बीच काशी पिशती है जो चुपचाप सब सहती है और बिना अपराध के भी अपने पति को दूसरी स्त्री की बाहों में देखने का दुख उठाती है इन तीन किरदारों के, के मन की हलचल बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के कारण सतह पर आ जाती है और दर्शक इसे महसूस करता है ज़रूरत है धैर्य के साथ सब कुछ देखने और महसूस करने की किस किरदार से आपको सहानुभूति है यह आपकी सोच और समझ पर निर्भर है लेकिन एक आम दर्शक की नज़र में बाजीराव और मस्तानी की नकारात्मक छप बनती है क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद बाजीराव ने इश्क फरमाया और बिना कारण अपनी पत्नी काशी को दुख पहुंचाया पर यह इश्क है उम्र जात मजहब रिश्ते नहीं देखता अब किससे हो जाए कहाँ नहीं जा सकता संजय लीला भंसाली का निर्देशन लाजवाब है हर सीन को उन्होंने पेंटिंग की तरह पेश किया है उनका प्रस्तुतिकरण जादुई है जो दर्शकों को अलग दुनिया में ले जाता है हर सीन को उन्होंने भव्य बनाया है जो कहीं कहीं अतिरेक भी लगता है ज़रूरी नहीं है कि हर दृश्य में भीड़ खड़ी कर दी जाए कुछ प्रसंग जल्दबाजी में भी निपटाए गए हैं शायद समय का बंधन होगा बाजीराव को नाश्ता देख भी नहीं सुहाता लेकिन ये फिल्म की छोटी मोटी कमियां हैं फिल्म का क्लाइमैक्स बेहतरीन है जिसमें मृत्यु के पूर्व बाजीराव को नदी में दुश्मन की सेना खड़ी नजर आती है और वह हवा में तलवार चलाता है प्रकाश और कपड़िया द्वारा लिखा गया हर संवाद तारीफ के काबिल है और यह ड्रामे का मजा दोगुना कर देता है फिल्म के शर्ट देखने लायक हैं और सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी में रंग लाइट शेड्स का कमाल देखने को मिलता है संगीत खुद संजय लीला भंसाली का है और फिल्म के मोड के अनुरूप है, है। दीवानी और पिंगा इसमें से बेहतरीन है इनकी कोरियोग्राफी और फिल्मांकन जबरदस्त है तकनीकी रूप से फिल्म बेहद मजबूत और फिल्म के तकनीसियों की मेहनत नजर आती है रणवीर सिंह को अपने करियर में इतनी जल्दी ही इतना भारी भरकम रोल मिल गया डर था कि क्या वह निभा पाएंगे लेकिन उन्होंने कर दिखाया वह कैरेक्टर में घुस गए और बाजीराव की गेटअप में वे जमे हैं अपने लहजे फिजिक पर भी उन्होंने खूब मेहनत की और उनका काम शानदार रहा है हालांकि उनके अभिनय की भी सीमा है लेकिन अपनी सीमा के भीतर रहते हुए उन्होंने जितना बन पड़ा उससे ज़्यादा किया मस्तानी के किरदार में देविका पादगौड़ का अभिनय देखने लायक है वह बेहद खूबसूरत लगे हैं और दीवानगी में उनकी खूबसूरत कई गुना बढ़ जाती है इश्क में दीवानी एक राजकुमारी का किरदार उन्होंने बाखूबी जीवंत किया है प्रियंका चोपड़ा के पास संवाद कम थे और ज़्यादातर उन्हें चेहरे के भाव से ही अपने दर्द को बयां करना था और यह काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है पिंगा में उनका डांस दीपिका से बेहतर रहा बाजीराव की मां के रूप में तानवी आजमी अपने दमदार अभिनय के बूते पर पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं बाजीराव मस्तानी को देखने के अनेक कारण हैं और इसे आप एक बार जरूर देखें बाजीराव मस्तानी फिल्म की शुरुआत नए पेशवा बनने से शुरू होती है इसके लिए बाजीराव यानी रणबीर सिंह को चुना जाता है इसके बाद इस खुशी में सभी साम्राज के लोग खुशी मनाते हैं फिर अचानक बुंदेलखंड से मस्तानी यानी दीपिका पादकोड़ सहायता के लिए आती है और बाजीराव के सैनिकों से लड़कर सीधे बाजीराव से मिलती है और उनको मनाकर बुंदेलखंड ले जाती है वहाँ वो वहाँ पर प्रतिद्वंदियों से मिलकर युद्ध करते हैं और वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं इसके बाद बाजीराव बुंदेलखंड में होली मनाते हैं इसी बीच बाजीराव और मस्तानी में प्यार हो जाता है दूसरे दिन बाजीराव वापस पुड़े चले आते हैं इसी बीच जाते वक्त बाजीराव मस्तानी को अपनी कटार दे जाते हैं इस कारण बुंदेलखंड से इस कारण बुंदेलखंड में कटार से विवाह हो जाता है इस परंपरा के तहत मस्तानी पुड़े जाती है वहाँ पर वो बाजीराव की माता राधाबाई यानी तानवी आदमी से मिलती हैं राधाबाई मस्तानी को नहीं चाहती हैं इस कारण उन नफरत करने लगती हैं इसके बाद अप्पा सनयारवाड़ा दिखाते हैं तथा इसमें अद्भुत आयना महल भी दिखाते हैं मस्तानी जब राधाबाई से रिश्ते को मनाने के लिए कहती है तो घुंघरू देकर कहती है कि अब तुम्हारा रिश्ता हो गया अब से तुम तो महफिल में नाचोगी फिर सतारा में छत पर साहू का बुलावा आता है तब बाजीराव वहाँ जाते हैं फिर राधाबाई एक नई चाल चलती है और मस्तानी को घुंघरू देकर भेज देती है लेकिन मस्तानी वह पहुँच कर घुंघरू छत्रपथ साहू के सामने रख देती है इस कारण पंत प्रतिनिधि यानी आदित्य पंचोली महफिल का अपमान मानते हैं लेकिन जब छतपत साहू को पता चलता है कि वो राजा छत्रसाल की बेटी है तो वह इन्हें वापस जाने के लिए कह देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तब मस्तानी बोलते हैं कि मैंने बाजीराव से इश्क किया है बाजीराव चाहिए इसके पश्चात मस्तानी बाजीराव की प्रतीक्षा करती है उस वक्त तूफान आ जाता है और बाजीराव वहाँ आकर मस्तानी से विवाह कर लेता है इसी बीच काशीबाई यानी प्रियंका चोपड़ा को भी पता चल जाता है और वो भी नाराज हो जाती है फिर काशीबाई और मस्तानी के पुत्र होते हैं और उनका नामांकरण किया जाता है काशीबाई के पुत्र का नाम रघुनाथ रखते हैं जबकि मस्तानी के पुत्र का नाम शमशेर बहादुर नाम रखते हैं इसी बीच बाजीराव और चिमाजी अप्पा के बीच लड़ाई हो जाती है बाजीराव सभी से कहता है कि वो सप्तमी के दिन मस्तानी को शनिवारवाड़ा लाएंगे परंतु कृष्णभट्ट और राधाबाई ये नहीं करने को कहते हैं यह फिल्म सुप्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार नागनाथ नामदार के उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास राव पर आधारित है यह उपन्यास मराठी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के सफलतम ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक है इसमें इतिहास एवं इतिहास रस दोनों की रक्षा करते हुए उत्कृष्ट सृजनात्मक का परिचय दिया गया है इस उपन्यास में स्वाभाविक रूप से भरपूर नाटकीयता विद्यमान है और पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई उत्तम धारावाहिक देख रहे हों इसके वर्णनात्मक दृश्य भी चलचित्र के दृश्यों की तरह मनस पलट पर अंकित रह जाते हैं ऐसे उपन्यास पर आधारित होने से फिल्म में अनेक विशेषताएं स्वाभाविक रूप से आ गई हैं संजय लीला भंसाली जैसे सिद्ध निर्देशक के द्वारा यह कहानी और भी चमक उठी है फिल्म में पाठ रचना से कुछ अंतर आ जाना तो वास्तविक ही रहता है क्योंकि दोनों के मत भिन्न होते हैं परंतु इस फिल्म में कुछ अंतर जान फिल्म में लटको झटकों के रूप में लाए गए हैं जिसमें इतिहास बौद्ध को धक्का पहुँचा है आरंभिक दृश्यों में बाजीराव को पेशवा नियुक्त करने वाला दृश्य तो बहुत ही उत्तम एवं उपयुक्त भी है और उपन्यास से बाहर का होते हुए भी ऐतिहासिकता एवं इतिहास बोध के सर्वत्र रूप है परंतु जिस दृश्य में काशी बाई की पुरानी सहेली आती है जिसका पति पेशवा बाजीराव के कारण मारा गया है और इसलिए वह अपने पति की राग को वहाँ छोड़कर एक तरह से सांप देती है वहाँ स्पष्ट अंतर आ गया है उपन्यास में काशी बाई की कुशल गृहणी के रूप में गरिमा मई उपस्थित है जबकि फिल्म में काशीबाई को चंचल किशोरी के रूप में उछलते दिखलाकर इतिहास बोध को खंडित कर दिया गया है फिल्मकार यह भी भूल गया कि जिस काशी का ऐसा फिल्मांकन कर रहा है उनका बेटा नाना साहब जवान हो रहा है और वही उस उत्सव का मुख्य करता धरता था यहाँ काशी भाई पेशवा की पत्नी ना लगकर फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ही लगती हैं छत्रसाल की सहायता के लिए बाजीराव को मस्तानी के द्वारा सेना सहित ले जाना भी बिल्कुल अनैतिहासिक रूप वाला हो गया है देखने में तो रोचक लगता है लेकिन मस्तानी के द्वारा ऐसा ना तो हुआ था और ना हो सकता था इस प्रकार के छोटे मोटे दृश्यों को छोड़ भी दे तब भी तो अच्छा में भूले फिल्मकार ने की है श्रीमंत बाजीराव पेशवा और काशी दोनों को अलग अलग समय में नचवा डाला है उस युग में और पेशवा परिवार में काशी उस युग में और पेशवा परिवार में काशी जैसी स्त्री जो एक तरह से रानी ही थी यदि नाचती होती तो नर्तकियों के विशेष रूप से रखने की आवश्यकता ही नहीं होती उसमें भी खास बात यह है कि जिस समय फिल्म में काशी बाई को मस्तानी के साथ नचाया गया है उन दिनों उसके पैर में बराबर होने वाला दर्द और भी बड़ा हुआ था मस्तानी से काशी बाई की भेंट भी बिल्कुल भी भिन्न तरीके और फिल्मी लटको झटकों वाली हो गई है अतः ऐतिहासिक के साथ रचनात्मक आनंद के लिए उक्त उपन्यास ही पढ़ना होगा परंतु महान बाजीराव पेशवा मस्तानी की अपूर्व प्रेम गाथा एवं दुर्धर्ष जीवन को महाराष्ट्र से बाहर भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस फिल्म ने प्रबल रूप से किया है इसके लिए फिल्मकार अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं लगभग सभी कलाकारों का अभिनय भी जीवंत एवं प्रशंसनीय है जो फिल्म को बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है वर्ष 2003 में संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय को चुना था जो उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में भी मुख्य किरदार में थे बाद में उन्हें उन दोनों के बीच हुए मतभेद के कारण बदलना पड़ा इसके बाद जुलाई 2003 में उन्होंने करीना कपूर और रानी मुखर्जी को बाजीराव की पत्नी के पात्र के लिए चुना भंसाली ने काफ़ी विद्यन में यह बताया कि वह सलमान खान और करीना कपूर को इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वे पहले ही किसी अन्य फिल्म में कार्य कर रहे थे कुछ लोगों का यह भी अफवाह थी कि अजय देवगन की जगह शाहरुख खान यह किरदार निभाएंगे इसके अलावा इसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादकौड़ रणबीर सिंह और कैटरीना काय के रहने की भी संभावना थी जुलाई 2014 में भंसाली जी ने सत्यापित किया कि इस परियोजना में रणबीर सिंह और दीपिका पादकौड़ को इस फिल्म में मुख्य किरदार चुना साथ ही प्रियंका चोपड़ा भी बाजीराव की पत्नी का किरदार निभाएंगी भंसाली जी ने दक्षा छेठ को उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी दी रणबीर सिंह इस फिल्म के लिए मराठी भाषा और घुड़सवारी सीखे थे फिल्म में अपने दमदार किरदार के लिए रणबीर अपना वजन भी बढ़ाए इसके साथ प्रियंका चोपड़ा भी पंद्रह दिनों तक मराठी शिक्षा ग्रहण की थी सितंबर 2015 में भंसाली जी ने सत्यापित किया कि तानवी आजमी बाजीराव की मां की भूमिका निभाएंगी इसमें सुगधा खंडकेकर बाजीराव की बहन के किरदार और महेश मांजरेकर मराठा राजा की भूमिका निभाए थे जनवरी 2015 में वैभव धनवादी बाजीराव के छोटे भाई के किरदार के लिए चुने गए जनवरी 2015 में वैभव धनवादी बाजीराव के छोटे भाई के किरदार के लिए चुने गए तेईस सितंबर 2015 को इस फिल्म को फिल्माना शुरू किया गया दीपिका पादकोड़ ने फिल्म के निर्माण में आठ मार्च दो को राजस्थान से जुड़ी इससे पहले देविका ने अपने पिछले कार्यों में सितंबर 2014 के अंत तक किया और मार्च 2015 में अपने सभी कार्यों को समाप्त कर इस के कार्य में लग गई इसका मुख्य हिस्सा मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में बनाया गया अन्य हिस्सा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और वाई में किया गया फिल्म का संगीत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्माण किया गया है पहला सॉन्ग था दीवानी मस्तानी जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गर्मा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली और इसे गाया था श्रेया घोषाल गणेश चंद्र सिबे मुजप्पा अजीज़ नजा दूसरा सॉन्ग था आयात जिसके गीतकार थे ए एम तराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गाया था इसे अरिजीत सिंह ने तीसरा सांग था मल्हारी जिसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गायक थे इसके विशाल ददलानी चौथा सांग था मोहे रंग दुलाल जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गरिमा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गाया था इसे बिरजू पंडित महाराज श्रेया घोषाल ने पाँचवा सांग था अलबेला सजन जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गर्मा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था शशि सुमन कुणाल पंडित पृथ्वी गांधर कनिका जोशी रग्गा, गीत का मांजरेकर छठा सांग था अब तो है जाने ना दूंगी जिसके गीतकार थे ए एम तुराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था पायल देव श्रेयास पढ़ा लिखने सातवां सांग था पिंगा जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गरिमा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था श्रेया घोषाल वैशाली माड़े ने आठवां सांग था आज इबादत जिसके गीतकार थे एम एम तुराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था जावेद सबीर ने नवा सांग था फितूरी जिसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था वैशाली माड़े गणेश चंदन सिबे ने दसवा सांग था गजन जिसके गीतकार थे प्रशांत तिंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था सुखबंदर सिंह ने बाजीराव मस्तानी एक भारतीय ऐतिहासिक रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया है फिल्म मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बारे में बताती है रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने दोनों मुख्य किरदार निभाए हैं प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी व तानवी आजमी ने बाजीराव की मां का किरदार निभाया है बाजीराव मस्तानी अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज हुई थी इसमें रणवीर सिंह ने मराठा साम्राज्य का योद्धा बाजीराव के रूप में भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी काशी की भूमिका निभाई थी देविका पादुकोण ने बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी की भूमिका निभाई थी तन्वी आजमी ने बाजीराव की मां राधाबाई की भूमिका निभाई थी साल 2015 की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म बाजीराव मस्तानी तो आप सभी ने देख ही ली होगी हम ये तो नहीं कह रहे कि इससे बढ़िया और बेहतरीन फिल्म कोई नहीं हो सकती लेकिन एक बात तो तय है कि इस फिल्म की भव्यता इसकी एक बड़ी खूबी रही हम यहाँ आपको किसी तरह से किसी भी फिल्म का रिव्यू या आलोचना नहीं करने जा रहे हैं हम तो यहाँ आपको बाजीराव के जीवन की उन तो महिलाओं से अवगत करवाने जा रहे हैं जो वैवक्तिक तौर पर बेहद प्रभावित तो थी ही लेकिन उनके बिना बाजीराव का जीवन भी अधूरा ही था हम बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव की दोनों पत्नियों काशिबाई और मस्तानी की बहुत से लोग मस्तानी को बाजीराव की पत्नी नहीं केवल प्रियसी ही मानते हैं लेकिन कई यह भी कहते हैं कि मस्तानी और बाजीराव का विवाह हुआ था समर्पण और प्रेम खैर यह भी अलग बात है कि इन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं क्योंकि बाजीराव का उनके प्रति समर्पण और प्रेम कभी किसी से छिपाए नहीं छिपा और ना ही कभी उन दोनों ने अपने प्रेम को छिपाया कुछ इतिहासकारों ने मस्तानी को बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल जिन्होंने बुंदेलखंड में पन्ना राज की स्थापना की थी की बेटी मानते हैं मस्तानी राजा छत्रसाल और उनकी मुसलमान पत्नी रूहानी बेगम जो कभी हैदराबाद के नवाब के महल में नर्तकी थी की संतान थी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजा छत्रसाल ने मस्तानी को गोद लिया था मस्तानी का बचपन छतरपुर मध्य प्रदेश से पंद्रह किलोमीटर दूर मऊ सहानिया में बीता था जहाँ मस्तानी महल भी स्थित है घुड़सवारी और तलवारबाजी मस्तानी बेहद सुंदर तो थी ही साथ ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी की भी उस्ताद थी वह एक बेहतरीन नर्तक थी उम्दा गायिका भी थी जिसके आधार पर बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव पेशवा प्रथम के महल में नर्तक की थी मुगलिया शासक साल उन्नीस सौ सत्ताईस से उन्नीस सौ अट्ठाईस के बीच जब इलाहाबाद के मुगलिया शासक पठान मोहम्मद वंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया तब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी को उनके पास भेजा था बाजीराव की सहायता से बंगस की सेना को खदेड़ दिया गया आभार बाजीराव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजा छत्रसाल ने बाजीराव को 33 लाख सोने की मोहरे एक हीरे की खदान कुछ गांव और अपने साम्राज्य का एक तिहाई भाग सौंप दिया जिसमें कालपी झांसी और सागर शामिल थे उप इसके अलावा बाजीराव ने अपनी पुत्री मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को सौंप दिया कुछ कहते हैं कि बाजीराव ने मस्तानी से विवाह किया था तो कुछ मानते हैं कि वह उनकी उपपत्नी थी बेहतरीन योद्धा जब भी बाजीराव किसी युद्ध पर जाते थे तब मस्तानी भी उनके साथ ही होती थी बाजीराव की तरह बेहतरीन योद्धा थी मस्तानी की एक संतान बाजीराव पेशो और मस्तानी की एक संतान थी जिसे पहले कृष्ण राव नाम दिया गया लेकिन बाद में नाम बदलकर शमशेर बहादुर किया गया मुगल विरासत को बरकरार रखने के लिए बाजीराव ने अपने पुत्र का नाम शमशेर बहादुर रखा था काशी और मस्तानी बाजीराव काशी और मस्तानी दोनों के प्रति समर्पित थे लेकिन उनकी माता राधाबाई को एक मुसलमान युवती के साथ अपने पुत्र का विवाह रास नहीं आ रहा था वह हर संभव प्रयास करती थी कि बाजीराव के जीवन से मस्तानी का नाम तक मिट जाए बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और पेशवा के पुत्र नाना साहब ने कई बार मस्तानी की हत्या का प्रयास किया मस्तानी को शनिवार वाड़ा बाजीराव का महल से काफी दूर रखने के लिए भेजा गया परंतु उन्हें दूर करने की हर कोशिश नाकाम रही परंतु एक बार उन्हें यह मौका मिल गया जब बाजीराव किसी काम की वजह से अपने राज्य से दूर थे इस अवसर का लाभ उठाकर चिना जीअपा और नाना साहब ने मस्तानी को कैद कर लिया बाजीराव पेशवा बाजीराव पेशवा को यह खबर मिल गई कि मस्तानी को बंदी बना लिया गया है इससे पहले वे कुछ कर पाते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ते गए और अंततः उनतालीस साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उधर तो जब मस्तानी को बाजीराव की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने भी अपनी अंगूठी में रखे जहर को पीकर आत्महत्या कर ली कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मस्तानी अपने पति बाजीराव के शव के साथ सती हो गई थी बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद काशीबाई ने भी शमशेर बहादुर की देखरेख की और जब वह बड़ा हुआ तो उसे बंदा और जल्पी की जागीरें सौंप दी इस तरह बाजीराव मस्तानी का नाम एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ गया जिसे इतिहास भी अलग नहीं कर पाया पेशवा का 20 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में अभिषेक किया गया अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए अगले 20 वर्षों तक उन्हें 41 युद्ध लड़ने के लिए जाना जाएगा बाजीराव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी लड़ाइयों को जीता जिन्हें उन्होंने लड़ा था यद्यपि उनके सैन्य पराक्रम और उपलब्धियाँ आकर्षक हैं लेकिन बुंदेली राजा की बेटी मस्तानी के लिए उनका प्रेम और अधिक दिलचस्प है लोकप्रिय कहानियां उनके प्यार के लिए प्रशंसात्मक गीत गाती हैं जो दुर्भाग्यवश त्रासदी में समाप्त होती हैं ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव मस्तानी अपने आप में ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे मस्तानी बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बुंदेलखंड के राजा और उनकी मुस्लिम पत्नी की बेटी मस्तानी बहुत अधिक खूबसूरत थी दिसंबर 1728 में मुगलों को मोहम्मद दिसंबर 1728 में मुगलों के मोहम्मद खान वंकश ने बुंदेलखंड पर हमले की योजना बनाई थी छत्रसाल ने बाजीराव को हमलावर वंगजस के खिलाफ सहायता के लिए पत्र लिखा छत्रसाल का पत्र मिलने के बाद बाजीरावन की मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गए बंगास युद्ध हार गया और कैद कर लिया गया बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह कभी बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं करेगा सहायता के लिए अत्यधिक आभारी छत्रसाल ने अपने साम्राज्य को तीन भागों में विभाजित किया और एक भाग बाजीराव को भेंट किया इस भाग में झांसी सागर और कालपी शामिल थे पंगास के खिलाफ लड़ाई के बाद छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को देने की पेशकश की थी बाजीराव ने मस्तानी को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकारा उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी वह मस्तानी की कई प्रतिभाओं से आकर्षित थे वास्तव में मस्तानी सुंदर होने के अलावा घोड़े की सवारी तलवार से लड़ना धार्मिक अध्ययन युद्धों के मामलों कविता नृत्य और संगीत में भी निपुण थी यह भी माना जाता है कि वह कई सैन्य अभियानों में बाजीराव के साथ भी लड़ी थी मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया था लेकिन स्थानीय ब्राह्मण समुदाय ने लड़के को मराठा सम्राज के लिए सही वारिस के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि मस्तानी आधी मुस्लिम थी उन्होंने यह भी अफवाहें फैला दी कि मस्तानी छत्रसाल साल की बेटी नहीं है वह वा केवल एक नर्तकी है कासिम मस्तानी से शादी कर रहे बाजीराव के खिलाफ नहीं थी उन दिनों में एक राजा दु... उन दिनों में एक राजा के दूसरे विवाह को नीचा नहीं देखा जाता था लेकिन काशिबाई और मस्तानी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी जब काशिबाई का पुत्र कम उम्र में ही मर गया एक तरफ काशीबाई अपने बेटे को खोने के दुख से उभर रही थी दूसरी तरफ मस्तानी साम्राज्य में धीरे धीरे प्रभावशाली हो रही थी इससे काशी परेशान थी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काशी को मस्तानी के जवान लड़के से जलन हो गई थी बाजीराव और मस्तानी को अलग करने के लिए कई प्रयास किए गए थे सेवनटीन टर्टी फोर में बाजीराव ने कोथ रोद में मस्तानी के लिए एक अलग निवास का निर्माण किया यह स्थान अभी भी कार्वे रोड पर श्रीमंती जय मंदिर के पास मौजूद है अप्रैल ट्वेंटी वन सेवनटीन फोर्टी को बाजीराव के उनतालीस वर्ष की उम्र में खराब सत की वजह से मृत्यु हो गई मस्तानी भी बाजीराव के निधन के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रही उनका भी निधन हो गया मस्तानी की मृत्यु के बारे में लिखित दस्तावेज नहीं है लोकप्रिय धारणा है कि बाजीराव की मौत के बारे में खबर सुनने के बाद उन्होंने जहर खा लिया था कुछ लोग कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव के अंतिम संस्कार में कूद कर सती हो गई थी कई इतिहासकार मानते हैं कि मस्तानी गंभीर हत्या का शिकार थी उन्हें कुछ लोगों द्वारा एक नर्तकी चित्रित किया गया था हालांकि वह भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थी बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अयासी नहीं जो लोग इसको दुनियावी चश्मे में लगे धर्म जात समाज के लाइन से देखते हैं उन्हें भी पेशवा बाजीराव और उन्हें टूट कर चाहने वाली मस्तानी की प्रेम कहानी में रूहानी एहसास मिलेंगे ये तो हमारी सिनेमाई कहानियाँ प्रेम के दृश्यों संवादों गीतों से पटी पड़ी हैं लेकिन यह संजय लीला भंसाली का कमाल है कि वह ऐसे नए अनूठे और अनदेखे संसार में रचते हैं उन्होंने इतिहास में मिलने वाली बाजीराव मस्तानी की कहानी को सिनेमाई लचीलेपन के साथ भव्य और मनोरंजक बनाया है हालांकि इससे कई लोग असहमत हैं परंतु इसमें संदेह नहीं कि भंसाली ने अतीत की एक प्रेम कहानी को पर्दे पर लाकर पुनर्जीवित किया है इसके बारे में लोग मराठा इतिहास से बाहर कम ही जानते हैं फिल्म कुछ हिस्सों में आपको क्लासिक मुगल आजम जैसा एहसास दिलाती है हिंदुस्तान के मुगल कालीन वर्वच्छ वाले इतिहास में मराठों का उदय महत्वपूर्ण अध्याय है इसी अध्याय में पेशवा श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ भट्ट सत्रह सौ सत्य सत्रह सौ चालीस हुए उन्होंने अपने जीवन काल में चालीस से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा लेकिन तलवार की ताकत से सबको झुका लेने वाला यह बीर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी के हाथों अपना दिल हार बैठा मस्तानी जिसकी रगों में राजपूत पिता और मुस्लिम माँ का रक्त दौड़ रहा था भंसाली की कहानी शुरुआती मिनटों में हर हर महादेव के नारों और लहराते भगवा ध्वजों के साथ बाजीराव की वीरता से परिचय करने के बाद उनके और मस्तानी के उन्मुक्त प्रेम का दाम्पत्य के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध तत्कालीन समाज के धर्मजात जात को लेकर संकीर्ण सोच के सामने लाने की तरफ बढ़ जाती है इन बातों के बीच बाजीराव और मस्तानी ऐसे किरदार के रूप में उभरते हैं जो प्रेम और मानवता का परचम बुलंद करते हैं इसके साथ एक अरुण कहानी बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई की है पेशवाई में सबसे ज़्यादा अनहान सहन करना पड़ता है पेशवाइन बाई पेशवा की पत्नी को इस किरदार की असहाय स्थिति को प्रियंका चोपड़ा ने खूबसूरती से निभाया है बंसाली अपनी कहानी में लगातार संदेश देते हैं कि प्रेम जाति धर्म के दायरों से ऊपर है प्रेम के लिए आप भी जी सकते हैं और मर भी सकते हैं फिल्म अपनी कहानी के साथ बेहतरीन दृश्यों के लिए यादगार है बंसाली ने महाराष्ट्र संस्कृत को पर्दे पर आकर्षक रंगों में रंगोली साओ केरा है बव्यता के बीच यह एक सादगी भी है और सब कुछ बहुत भड़काता तड़काता भी है यह आँखों को सुख देता है फिल्म में संवाद अच्छे हैं और कुछ शेरों शायरी भी हैं गीत संगीत नृत्य सुनने देखने में अच्छा है बाजीराव के रूप में रणबीर सिंह की एनर्जी काबिल तारीफ़ है किसी किरदार में इतना करंट आपने आखिरी बार कब देखा था यह सोचने के लिए आपको दिमाग पर अच्छा खासा जोर देना पड़ेगा मात्र चालीस साल की उम्र में गुजर जाने वाला है पेशवा युद्ध और प्रेम दोनों की अवस्थाओं में इतना ही ऊर्जावान रहा होगा रणवीर को देखकर यह विश्वास होता है मस्तानी के रूप में देविका सुंदर लगी हैं मगर योद्धा के रूप में वह और निखर कर आती हैं हालांकि बाजीराव के घर आने के बाद उनके किरदार की खूबियां कुछ सिमट सी गई मालूम पड़ती हैं निर्देशक उन्हें उभार सकता था परंतु ऐसे में वह प्रियंका पर भारी पड़ जाती प्रियंका को कहानी और पर्दे पर पर्याप्त जगह मिली है जिससे उन्होंने दर्शकों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यह उनके करियर की एक बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है बाजीराव की माँ आई साहेब के रूप में तानवी आजमी एक उमदा और यादगार रखने योग्य भूमिका में है ऐसा लगता है कि निर्देशक पर फिल्म को एक तय अवधि में समेटने का आंतरिक दबाव था इस कारण मस्तानी समेत कुछ किरदार थोड़े दबे रह गए इसी तरह कहानी तथा तो पटकथा में कल्पनाशीलता के साथ थोड़ी और मेहनत की गई होती तो यह फिल्म क्लासिक की श्रेणी में शामिल होती यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखन ही सिनेमा की रीढ़ है आइए जानते हैं बाजीराव मस्तानी से जुड़े कुछ फैक्ट्स इतिहास पर बनी यह भंसाली की पहली फिल्म है भंसाली ने बहुत समय पहले ही सलमान खान और असर राय को इस फिल्म में लेने की सोची थी बाद में सलमान खान ने कैटरीना को इस फिल्म में लेने की सिफारिश की थी लेकिन यह विचार काम नहीं कर पाया था बंसाली बाद में मस्तानी के किरदार के लिए करीना कपूर और काशिबाई के किरदार के लिए रानी मुखर्जी के पास गए थे लेकिन बात नहीं बनी थी इसके बाद दस साल बाद डायरेक्टर अजय देवगन के पास बाजीराव के किरदार के लिए गए लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण उन्होंने मना कर दिया रामलीला फिल्म की सफलता के बाद भंसाली ने अंत में रणबीर कपूर और दीपिका पाथकोड़ को फिल्म में लिया दीपिका ने कथक सीखने के लिए डांस क्लास ज्वाइन की थी रणबीर कपूर ने किरदार में ढलने के लिए सच में अपने बाल कटवाए थे प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए मराठी भाषा सीखी थी पिंगा गाने का यादगार स्टेप भंसाली के कुक ने बनाया था बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र के रूप में कोकड़ अस्था प्रांत में हुआ था जो छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे बीस वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात साहू ने दूसरे अनुभवी और पुराने दावेदार को छोड़कर बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया इस नियुक्ति से स्पष्ट हो गया था कि साहू को बाजीराव के बालपन से ही उनकी बुद्धिमता का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने पेशवा पद के लिए बाजीराव की नियुक्ति की बाजीराव सभी सिपाहियों के बीच लोकप्रिय थे और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है बाजीराव वह थे जिन्होंने इकतालीस या उससे भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी न हारने की वजह से विख्यात थे जनरल मोटा गोमरी ब्रिटिश जनरल और बाद में फील्ड मार्शल ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लिखित रूप में यह स्वीकार भी किया था अपने पिता के ही मार्ग पर चलकर मुगल सम्राटों को समझकर उनकी कमजोरियों को खोजकर उन्हें तोड़ने वाले बाजीराव पहले व्यक्ति थे सैयद बंधुओं की शाही दरबार में घुसपैठी या दखल अंदाजी बंद करवाना भी उनके आक्रमण का एक प्रभावी निर्णय था बाद में ग्वालियर के राजोसी सिंदेश का साम्राज्य इंदौर के होलकर बड़ौदा के गायकवाड़ और धार के पवार इन सभी का निर्माण बाजीराव द्वारा मराठा साम्राज्य के खंड के रूप में किया क्योंकि वे मुगल साम्राज्य के प्रतिशोध को लेकर उनका विनाश करके उनकी जागीरदारी बनाना चाहते थे उन्होंने अपना स्तंभ सासवट से और मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी पूजी को सेवनटीन ट्वेंटी एट में सातारा से पुड़े ले गए इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक कस्बे को शहर बनाने की भी नींव रखी उनके प्रमुख बापूजी जी श्रीपाठ ने सातारा के कई धनवान परिवारों को पूना स्थापित के लिए मनाया जो अट्ठारह पेट में विभाजित किया गया था सेवनटीन में महाराजा छत्रसाल की मृत्यु पश्चात मराठा साम्राज्य मित्र साम्राज्य रूपी था जबकि बाजीराव को छत्रसाल साम्राज्य का एक तिहाई भाग बुंदेलखंड में दिया गया एक उत्कृष्ट सेना का सेनापति होने की वजह से उनकी सेना और लोग उन्हें बहुत चाहते थे वह कई बार हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों से लड़े और उन्हें धूल भी चटाई और हमेशा के लिए मुगलों को उत्तरी भारत पर ध्यान करने के पूर्व ही मध्य और पश्चिमी भारत से दूर रखा बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई और इन्हें दो जुड़वा बच्चे भी हुए बाद में नाना साहब को साहू ने 1740 में नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया और उनके दूसरे बेटे का नाम रघुनाथ राव था मस्तानी पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बाजीराव चौथे मराठा छतपथ साहू राज्य भोसले के साम्राज्य में मराठाओं के सेनापति और प्रधान थे ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी बहुत बहादुर और सुंदर महिला थी इतिहास में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति मस्तानी से जुड़े हैं और उनसे जुड़ी बहुत सी कथाएँ भी हैं मस्तानी बुंदेलखंड के राजपूत नेता राजा छत्रसाल की पुत्री थी जो बुंदेलखंड प्रांत के संस्थापक थे मस्तानी को जन्म उनकी फारसी मुस्लिम पत्नी जो हैदराबाद के निजाम के दरबार में नर्तकी थी जब सत्रह से सत्रह के समय पर अलाहाबाद के मुगल साम्राज्य प्रमुख मोहम्मद खान बंगाल ने छत्रसाल साम्राज्य पर आक्रमण किया तब छत्रसाल ने एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी जिससे उनकी सैन्य शक्ति बढ़ सके बाजीराव तुरंत महाराजा छत्रसाल की सहायता के लिए आगे बढ़े और धन्यवाद के स्वरूप छत्रसाल ने बाजीराव को उपहार स्वरूप अपनी बेटी मस्तानी दी और उनके साम्राज्य का एक तिहाई भाग भी दिया जिसमें झांसी सागर और कालपी का भी समावेश था महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव और मस्तानी के विवाह उपलक्ष्य में हीरो की खदान भेंट स्वरूप दी ऐसे कई सारे प्रसंग मस्तानी के जीवन से जुड़े हैं छत्रसाल से दूसरे दृष्टकोष से देखा जाए तो वो हैदराबाद के निजाम की कन्या थी छत्रसाल को निजाम को सिक्सटीन नाइन्टी एट में पराजित किया था और निजाम की पत्नी ने बुंदेल और उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित होने हेतु तो उनकी बेटी से विवाह कराने की सलाह दी क्योंकि उस समय मध्य भारत में छत्रसाल साम्राज्य सबसे सशक्त और शक्तिशाली साम्राज्य था कहानी के तीसरे अध्याय के अनुसार बाजीराव और छत्रसाल की मित्रता होने के पश्चात मस्तानी या छत्रसाल के दरबार की नृत्य की थी बाजीराव मस्तानी के प्रेम में पड़ने के बाद उनका मस्तानी से विवाह हुआ जिसका बाजीराव उच्च दर्जे के ब्राह्मण होने की वजह से पूरे ब्राह्मण समुदाय एवं हिंदुओं ने विरोध किया जहां बाजीराव ने स्वीकार किया कि मस्तानिया क्षत्र साल के फारसी मुस्लिम के पत्नी की बेटी थी मस्तानी का बाध्य रूप से विवाह होने के बावजूद अक्सर उसे बाजीराव के रखेल या प्रेम का कहा जाता था मस्तानी एक कुशल घुड़सवार थी और साथ साथ भाला फेंक और तलवारबाजी भी करती थी और एक बुद्धमान नर्तकी एवं गायिका थी मस्तानी ने हमेशा सहन अभियान में बाजीराव का साथ दिया मस्तानी और बाजीराव की पहली पत्नी काशिबाई ने बाजीराव को एक एक पुत्र दिया परंतु काशिबाई का पुत्र जल्दी ही मर गया और मस्तानी का पुत्र था जिसका नाम शमशेर बहादुर था बाजीराव ने शमशेर को बांदा की जागीर प्रदान की थी सेवनटीन सिक्सटी वन के पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं की तरफ से लड़ा था और यह कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उसे वीरगति प्राप्त हुई बाजीराव काशीबाई और उनकी माता राधिबाई के मस्तानी के प्रति क्रोध को नज़रअंदाज कर उनके अपनी धर्म मुस्लिम पत्नी मस्तानी को प्रेम करता गया राधाबाई की ओर से रहते हुए बाजीराव का भाई हमेशा मस्तानी को वनवास भेजने की नाकाम कोशिश करता रहता था बाजीराव का पुत्र बालाजी भी मस्तान को उनके पिता को छोड़ने के लिए मजबूर करता था लेकिन मस्तानी इस सबसे असहमत थी परंतु बाजीराव बार बार इसे नज़रअंदाज करते गए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बालाजी ने मस्तानी को जब बाजीराव अपने सैन्य अभियान में व्यस्त थे तब कुछ समय के लिए उसे घर में ही कैद करके रखा बाद में कुछ समय पश्चात मस्तानी बाजीराव के साथ पुणे के शनिवारवाड़ा में महल के उत्तर पूर्व किनारों पर महल को मस्तानी महल और बाहरी द्वार को मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया बाजीराव परिवार के मस्तानी के साथ दुर्व्यवहार के कारण बाद में बाजीराव ने मस्तानी के लिए सेवनटीन थर्टी फोर में कोटरूड में एक अलग निवास स्थान बनाया जो शनिवारवाड़ा से कुछ ही दूरी पर था यह स्थान आज भी कारवी रोड पर मृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है जहाँ कोथरूट के महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वो आज भी राजा केलकर संग्रहालय के विशेष विभाग में देखा जा सकता है परंतु इस संबंध में मस्तानी से जुड़े कोई सरकारी कागज बाजीराव के साम्राज्य में दिखाई नहीं देते इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजा केलकर संग्रहालय और वाई संग्रहालय में जो बाजीराव और मस्तानी की पेंटिंग्स लगी हैं वो परमाणु की असली नहीं हैं अट्ठाईस अप्रैल में बाजीराव अपने खरगा की जमीन का निरीक्षण कर रहे थे तब आकस्मिक बुखार की वजह से उनकी मृत्यु उनतालीस वर्ष की उम्र में हुई तब चिमाजी अप्पा बालाजी और मस्तानी भी खरगा आए थे जहां अट्ठाईस से अप्रैल सेवनटीन फोर्टी को नर्मदा नदी के किनारे रावण खेड़ में उनके शरीर को अग्नि दी गई और इसके कुछ समय पश्चात ही पुणे के समीप पबल गाँव में मस्तानी की मृत्यु हो गई उनके लिए दिल्ली में सैन का रास्ता भी बनाया गया जिसका शिविर खरगोन जिले में इंदौर के पास बना हुआ है उनकी याद में एक शिव मंदिर भी बनाया गया जो उसी के निकट स्थित है पैराणिक कथाओं के अनुसार बाजीराव के की मृत्यु की खबर सुनते ही मस्तानी ने अपनी अंगूठी का जहर पी आत्महत्या कर ली थी वही दूसरों का ऐसा मानना है कि उसके पति के दाह संस्कार के वक्त उसने बाजीराव की चिता पर छलांग लगाई थी परंतु इस प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जो मस्तानी की मृत्यु का असली कारण बता सके परंतु यह अक्सर कहा जाता है कि बाजीराव की सेवनटीन फोर्टी में मृत्यु के पश्चात मस्तानी ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रही मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव पर बनी पीरियडिक फिल्म को दर्शक खूब सराह रहे थे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे थे वही दीपिका पादुकोण भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ़ करती हुई नजर आई थी एक्शन रोमांस और बेहतरीन बाजी से सजी फिल्म बाजीराव मस्तानी को एक बेहतर फिल्म कहा जा सकता है संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने की घोषणा साल दो में ही कर दी गई थी लेकिन तब संजय इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे कुछ कारणों के चलते बात नहीं बन पाई तो करीब 12 साल बाद संजय ने दीपिका और रणवीर सिंह को लेकर इस फिल्म को बनाया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फिल्म कितनी अच्छी है या बुरी फिल्म ऐतिहासिक कहानी मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव बलाल के जीवन पर आधारित है जो अपने साम्राज्य के साथ निजी जिंदगी पर बहुत ध्यान देते हैं बाजीराव की इच्छा है कि वह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके हालांकि आधे हिंदुस्तान पर वो अपना राज्य कायम कर चुके होते हैं वहीं इस फिल्म में बाजीराव की बीबी की कहानी भी काफ़ी रोचक है बाजीराव की शादी काशिबाई से होती है जो अपने पति बाजीराव से बेहद प्यार करती है युद्ध के दौरान एक बार बाजीराव का बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से आमना सामना होता है दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और जाने अनजाने में इनकी शादी भी हो जाती है मस्तानी खूबसूरती और वीरता की एक मिसाल है इनका विवाह कई लोगों जैसे बाजीराव की पहली पत्नी काशी बाई और बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा को नामंजूर है इसी समकच के साथ कहानी आगे बढ़ती है बाजी और मस्तानी की शादी की समस्या या बाजीराव और मस्तानी की शादी में समस्या यह होती है कि बाजीराव हिंदू हैं और मस्तानी मुस्लिम इसके बाद फिल्म की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आने लगते हैं इन दोनों के प्रेम कहानी और इसी के साथ युद्ध के भावात्मक तरह से फिल्म के संदेश को उनके साथ अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं क्या बाजीराव मस्तानी का यह शख्त दुनिया को गंवरा होगा क्या इसके अंत में सब ठीक होता दिखेगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस फिल्म में आपको मिलते हैं फिल्म में दिखाया गया खूबसूरत भविष्य संजय लीला भंसाली की झलक दिखाता है फिल्म के गानों ने पहले से ही लोगों को दीवाना बना रखा था और बड़े पर्दे पर इन्हें देखना एक अच्छा अनुभव हो सकता है इसके अलावा दीपिका और रणबीर सिंह की शानदार केमिस्ट्री हम पहले से ही गोलियों की रासलीला रामलीला में देख चुके हैं इसे भंसाली ने काफ़ी अलग ढंग से इस फिल्म में पेश किया है इनकी प्रेम कथा यहाँ दर्शकों के दिलों को छू जाएगी करीने में प्रति हुई नज़र आएगी आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तकरीबन पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी आपको बता दें कि संजय लीला भं... आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तरकीब पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी संजय लीला भंसाली लंबे समय से बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे देवदास के समय से ही उन्होंने इस पर भी सोचा था तब उन्होंने सलमान खान और रानी मुखर्जी के नाम पर विचार किया था संयोग ऐसा रहा कि वह फिल्म नहीं बन सकी फिर भी बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी उन्हें मतती रही इस दौरान उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति की जिज्ञासा रहती थी कि आखिर कब बाजीराव मस्तानी पर फिल्म बनेगी गोलियों की रासलीला राम रामलीला के निर्माण निर्देशन और सफलता के बाद संजय ने महसूस किया कि रणबीर सिंह और देविका पातकोड़ के रूप में उन्हें अपने किरदार मिल गए हैं और उन्होंने फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया शुरुआत में फिल्म धीरी रही लेकिन जब एक बार उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो प्रतिद्वंदी फिल्म को अच्छी टक्कर दे डाली संजय लीला भंसाली गुजराती हैं लेकिन बचपन से वो मराठियों के बीच रहे हैं मराठी संस्कृत और भाषा का उन पर बहुत प्रभाव है बाजीराव मस्तानी के निर्माण की वजह से पूछने पर वह बताते हैं मैं बचपन से मराठी सभ्यता संस्कृत और संगीत से जुड़ा रहा हूँ मराठा इतिहास में अनेक रोचक घटनाएँ हैं कई दिलचस्प कहानियाँ हैं उनमें से एक बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी है मैं उसे पर्दे पर लाना चाहता था आप देखें कि बहादुर बाजीराव ने 40 लड़ाइयाँ जीती मस्तानी की वजह से वह अपने परिवार के आगे हार गया वह चाहता तो सभी के विरोध के बावजूद मस्तानी को महल में ला सकता था वह योद्धा था गौर करे तो हर युग में जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसका विरोध होता है आज भी हो रहा है मेरे लिए जाना जानना रोचक था कि बाजीराव ने ऐसा क्यों किया इस फिल्म में कलाकारों के सटीक चुनाव की अहम भूमिका रही बाजीराव के किरदार में रणबीर सिंह मस्तानी के लिए दीपिका पातकोड़ और काशी के लिए प्रियंका चोपड़ा को बाजीराव मस्तानी में लाने का मन संजय लीला भंसाली ने गोलियों की रामलीला रासलीला से ही बना लिया था रणबीर और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए भी उपयुक्त लगी काशीबाई की भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा के चुनाव ने जरूर हैरत में डाला फिल्म में काशी के लिए कम स्पेस था प्रियंका चोपड़ा बताती हैं रोल सुनते समय संजय सर ने मुझे स्पष्ट कहा था कि काशी मेरी फिल्म का संघर्ष है उन्होंने सबसे पहले मेरी कास्टिंग की थी फिल्म में काशीबाई के किरदार को संजय सर ने उस समय की एक समझदार औरत के रूप में दिखाया है जब उसे एहसास हो गया कि उसका पति मस्तानी के प्रेम में डूबा हुआ है तो उसने उसे मुक्त कर दिया आखिर में उसने अपने पति के लिए मस्तानी को आज़ाद भी किया और एक औरत का दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपने समर्पण के लिए कुछ भी कर सकती है बाजीराव मस्तानी में अपूर्व भव्यता है संजय लीला भंसाली की यह बाखूबी है कि उनकी फिल्मों के सेट विशाल और भव्य होते हैं इस फिल्म के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में सेट लगाए गए इसके अलावा राजस्थान के ऐतिहासिक किलों में भी शूटिंग की गई युद्ध के दृश्यों के लिए मैदानी इलाकों का चुनाव किया गया संजय अपनी हर फिल्म में एक नया रंग चुनते हैं पूरी फिल्म में उसी रंग की छुटाएँ दिखती हैं बाजीराव मस्तानी में मराठा इतिहास के साच और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के रंग और वास्तु का ध्यान रखा गया उन्हीं के मेल में सेट तैयार किया गया कास्ट्यूम और हथियारों की रिसर्च में सभी जानकारियों और बारीकियों का काफ़ी ध्यान रखा गया संजय लीला भंसाली इस बात के लिए विख्यात हैं कि वो अपनी फिल्म में जरा भी हेर फेर नहीं करने देते हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट रहती है कलाकारों को सब बता भी दिया गया होता है लेकिन सेट पर कैमरा ऑन होने के पहले सीन और टैग बदला जा सकता है सभी कलाकार दोहराते हैं कि संजय लीला भंसाली उनकी मेहनत और तैयारी पर पानी फेर देते हैं संजय अपने बचाव में कहते हैं मैं हर दिन के मोड के हिसाब से शूटिंग करता हूँ एक मोटा सांचा तैयार रहता है लेकिन कलाकारों की ऊर्जा सहयोगी कलाकारों के जोश और रोशनी के हिसाब से सब कुछ बदल भी सकता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई पहले से कुछ सोच कर आए और उसे ही निभाकर संतुष्ट हो ले अचानक बदलाव हो तो कलाकार की योग्यता और क्षमता निखर कर आती है रणबीर सिंह बताते हैं संजय सर की टीम ने सारी रिसर्च कर रखी थी फिल्म शुरू करने के साथ मुझे रिसर्च मटेरियल दे दिया गया साथ एक मराठी कोच भी मेरे साथ कर दिया गया इस फिल्म में योद्धा की तैयारी के समय लगा मुझे फिजिकली ही बहादुर दिखना था मैं अपनी तैयारी को महीनों और समय से काउंट नहीं करना चाहता था सेट के पास रह सकूं इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने अपना घर भी बदल लिया था मेरे लिए बाजीराव एक बहुत बड़ी चुनौती थी फिल्म को मिली सराहना और अपनी तारीफ के बाद लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल रही इनका चोपड़ा अपने निर्देशक संजय लीला भंसाली की कल्पना की कायल हैं वह कहते हैं कि इसी फिल्म की बात करें तो कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़कर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी फिल्म बन जाएगी मेरे ख्याल में हर सीन के विजुअल उनके दिमाग में बनते रहते हैं जिन्हें वह अपनी टीम की मदद से साकार करते हैं उनके साथ काम करने में इसलिए अधिक मजा आता है क्योंकि वैसे दरअसम पहली बार कर रहे होते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों में अभिनेत्रियाँ बला की खूबसूरत दिखती हैं दीपिका पादकोड़ बताती हैं हमें भी नहीं मालूम रहता कि किसी कोर्स से हम इतने खूबसूरत लग सकते हैं उन्होंने दोनों ही फिल्मों में मुझे जिस सौंदर्य के साथ पेश किया उस रूम में दूसरे निर्देशक मुझे नहीं देख सके उनकी फिल्मों में सिर्फ अभिनेत्रियाँ ही नहीं परिवेश में भी सौंदर्य झलकता है संजय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मेरी फिल्म मुगले आजम को दीघ्र श्रद्धांजल है अगर किसी को नकल या प्रेरणा लग रही हो तो यह स्वाभाविक है मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता लेकिन इक्कीसवीं सदी के दर्शकों को एक पीरियड और प्रेम कथा की फील तो दे ही सकता हूँ मुझे खुशी है कि दर्शकों ने फिल्म को सराहा बाजीराव मस्तानी फिल्म में भले ही बाजीराव और मस्तानी के लिए कई कलाकारों का नाम सामने आया लेकिन इन दस सालों में काशीबाई के लिए एक इनाम फाइनल हुआ जिसे अंत में वह भूमिका पर्दे पर साकार की यह थी प्रियंका चोपड़ा को प्रियंका की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था संजीव भंसाली की यह फिल्म भव्यता और इतिहास में लिपटी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो धर्म या मजहब की दीवार से टकराती है और इसी टकराहट की वजह से इसमें खडयंत्र का ताना बाना भी है बंसाले ने 18वीं सदी के पूर्बाद के मराठा नायक बाजीराव पेशवा और बुंदेल राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के रिश्तों को आधार बनाकर फिल्म की कहानी रची है छत्रसाल अपने राज्य की रक्षा के लिए बाजीराव से अनुरोध करते हैं और बाजीराव उनकी तरफ से लड़ाई के लिए आते हैं वहीं उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है मस्तानी खुद भी एक योद्धा है और बिरांगना भी उसकी तलवारबाजी के आगे बड़े बड़े सुरमा फीके हैं पर उसकी अदाएँ भी कातिल हैं फिर बाजीराव कैसे बच जाते बाजीराव और मस्तानी के बीच प्रेम पलता है बाजीराव की शादी हो चुकी है पर बाजीराव मस्तानी को पत्नी का दर्जा देना चाहते हैं यह ना बाजीराव की माँ भाई को स्वीकार है और ना पेशवा के दूसरे कई दरबारियों को वजह यह नहीं कि मस्तानी दूसरी औरत है वजह यह है कि वो मुस्लिम है एक धुंध शुरू होता है और कई जिंदगियों पर असर डालता है बिलांगना मस्तानी का दिल आहत होता है बाजीराव मस्तानी में रणभूम में लड़ा जानलेवा युद्ध भी है जो बेहद प्रभावशाली है और आज महलों के भीतर होने वाली राजनीतिक पंतरे बाजी भी और इन दो छेरों के बीच एक पुरुष और दो स्त्रिया बाजीराव मस्तानी और काशी बाजीराव ने मस्तानी को चाह है और वो भी बाजीराव को उसी जज्बे से चाहती है और काशी वह क्या करे वो भी बाजीराव से प्रेम करती है पर मस्तानी से कैसा संबंध रखे उसे स्वीकार करे या अस्वीकार अस्वीकार किया नहीं जा सकता और स्वीकार करना कठिन का है काशी दोनों के बीच झूलती है इन्हीं और ऐसे ही कई जज्बाती किनारों को छोटी बाजीराव मस्तानी मानवीय भावनाओं के कई पहलुओं को दिखाती है रणबीर सिंह ने बाजीराव के किरदार निभाया है और दीपिका पादुकोण ने मस्तानी का रणबीर बाजीराव के चित्र में कई सूक्ष्म मनोभाव के पकड़ते हैं और साथ ही उनके रण बांकुरे के रूप में भी सामने लाते हैं प्रियंका चोपड़ा बाजीराव की पत्नी काशी बनी है प्रियंका हालांकि कम दृश्यों में दिखी हैं पर जितना दिखे उसमें वे एक ऐसी किरदार के सामने लाती हैं जो अपनी गर्मा की स्थापित करती है और उदारता भी और मस्तानी की भूमिका में दीपिका एक तरफ युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाती हैं तो दूसरी तरफ बाजीराव के लिए सम्पूर्ण समर्पण जिस पिंगा गाने के दृश्य में प्रियंका और दीपिका एक साथ दिखी हैं वो भंसाली की एक और फिल्म देवदास की याद दिलाता है जिसमें माधुरी दीक्षित तो और आश्वर्या राय बच्चन ने एक साथ डोला रे डोला गाते हुए दिखी थी भंसाली अपनी फिल्मों के गाने को जिस तरह से फिल्माते हैं वो सिर्फ संगीतात्मक नहीं होता बल्कि कहानी के भीतर निहित सघनता को बढ़ाने वाला होता है वाजी मस्तानी के कई ऐसे गाने हैं तुझे याद कर लिया है आयात की तरह और अल्बेला साधन आयोरी बोल वाले ऐसे गाने हैं पर बात सिर्फ बोल और भावों की सघनता की नहीं है भंसाली जिस तरह गाने के दृश्य को सजाते हैं उससे लगता है कि कोई पेंटर एक बड़े कैनवास पर रंग बिरंगी दरसवाली को उकेर रहा है उनके गानों की कोरियोग्राफी और उनका फिल्मांकन भी लाजवाब होता है इन गानों को सुनने का आनंद तो है लेकिन देखते वक्त सुनने का अलग मजा है भंसाली की यह फिल्म वस्त्र सज्जा यानी कास्ट्यूम के ख्याल से भी लुभावनी है कुछ साल पहले भंसाली की फिल्म सांवरिया और शाहरुख खान की ओम शांति ओम एक ही दिन रिलीज हुई थी और इसमें जीत हुई थी ओम शांति ओम की इस बार बाजीराव मस्तानी और दिलवाले सामने आई थी बाजीराव मस्तानी रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म की चर्चा मीडिया में शुरू हो गई थी दरअसल ग्लैमर इंडस्ट्री में आज भंसाली की इमेज ऐसे चंद बेहतरीन फिल्म मेकर्स में की जाती है जो बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ मसालों के साथ कहीं समझौता नहीं करते वरना ऋतिक रोशन जिससे स्टार को स्टार टू लास्ट व्हील चेयर पर बिठा कर गुजारिश बनाने की कल्पना तक इंडस्ट्री का दूसरा कोई नहीं कर सकता एक बार भंसाली ने अपने बरसों पुराने एक सपने को सिल्वर स्क्रीन पर साकार किया था जो उन्होंने बारह तेरह साल पहले देखा था हालात ऐसे बने कि स्क्रिप्ट पर काम करना लगभग पूरा होने के बावजूद भंसाली को अपने इस सपने को साकार करने में इतना लंबा वक्त लग गया फिल्म की मेकिंग सेट्स और संवादों की तुलना बहुत पहले से के आसिफ साहब की एवर ग्रीन फिल्म मुगल आजम के साथ की जा रही थी जिस तरह से आसिफ ने अपनी फिल्म के लीड किरदार शहजादा सलीम के माध्यम से शनसाह अकबर प्यार का पैगाम पहुंचाया था वैसे ही भंसाली की इस फिल्म में भी यही काम पेशवा बाजीराव ने किया है यकीन लेकिन भंसाली साहब का कमाल है कि उन्होंने मराठी कल्चर के साथ साथ उस वक्त के माहौल को भी बेहतरीन ढंग से पर्दे पर उतारा है बेशक इस फिल्म में भीना महल में फिल्माया गया गाना और कुछ संवाद आपको क्लासिक मुगल आजम की याद दिला देते हैं कहानी सत्रह के दौर की है जब मराठा साम्राज्य का महान योद्धा पेशवा बाजीराव बल्लाड़ अपने साम्राज्य का चारों ओर विस्तार करने में लगा हुआ था बाजीराव की शादी काशी से हुई थी काशी की नजरों में बाजीराव जैसा दुनिया में कोई दूसरा और नहीं था सुबह खुद से कहीं ज्यादा बाजीराव को पसंद करती थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगातार बिजी बाजीराव युद्ध और रणभूमि में ही ज़्यादा वक्त गुजारता था इसी दौरान एक दिन बाजीराव का सामना बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से होता है मस्तानी बेहद सुंदर तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में उसकी महारत थी युद्ध के मैदान में मस्तानी बाजीराव से मदद लेने आई ताकि अपने पिता के राज को आक्रमणकारियों से बचा सके इसी युद्ध के दौरान मस्तानी और बाजीराव एक दूसरे को चाहने लगते हैं इसके बाद दोनों विवाह में भी बन जाते हैं बाजीराव हिंदू हैं और मस्तानी मुसलमान ऐसे में दूसरे धर्म की लड़ाई के साथ बाजीराव की शादी उनकी पहली पत्नी काशी बाई के अलावा माँ राधाबाई बहन भीहू बाई के अलावा उनके भाई चिमा जी अप्पा को मंजूर नहीं लेकिन सभी बाजीराव की खुशी के सामने खामोश थे रणबीरू को पेशवा के किरदार में देखकर सहज विश्वास नहीं होता कि ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ अर्सा पहले ही करियर शुरू करने वाला एक हरब मौला एक्टर इस कदर बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकता है पेशवा के किरदार में रणबीर की एनर्जी और उनकी संवाद अदायगी का बदला अंदाज आपको यकीनन पसंद आएगा मानना होगा रणबीर सिंह इस फिल्म का सबसे सशक्त पक्ष है उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखकर लगेगा रणबीर शूटिंग के दौरान इस किरदार में पूरी तरह से खो गए पेशवा के किरदार के लिए उन्होंने मराठी लहजे पर जबरदस्त मेहनत की है मस्तानी के रोल में दीपिका पातकोड़ सुंदर लगती हैं तो साथ ही हाथों में तलवार लिए दीपिका का दूसरा लुक उनके अभिनय को और निखारने का काम करता है प्रियंका ने अपने किरदार को असर ढंग तरीके प्रियंका ने अपने किरदार को असर ढंग तरीके से निभाया है यकीन काशीबाई का किरदार उनके करियर के चंद बेहतरीन भूमिकाओं में से अपनी जगह बनाने का दम रखता है बाजीराव की माँ यानी आई साहब के किरदार में तानवी आजमी ने ऐसा उमदा सजीव दमदार अभिनय किया है जो लंबे अरसे तक याद रहेगा भंसारी ने अपनी इस फिल्म में आज के माहौल में ऐसा संदेश देने की अच्छी पहल की है जिसकी आज नहाय जरूरत है यानी प्यार का कोई धर्म नहीं होता बस वही भंसाली अपनी फिल्म को बेहतरीन महंगे शर्ट्स और हिंदी फिल्मों में कम ही नजर आने वाले दृश्यों के साथ दिखने के लिए जाने जाते हैं हम दिल दे चुके सनम में गुजराती कल्चर तो इस बार भंसाली ने अपनी इस फिल्म में महाराष्ट्र कल्चर को असरदार ढंग से पर्दे पर आकर्षक रंगों के साथ पेश किया है भंसाली की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने रणबीर सिंह से पेशवा बाजीराव के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिखाया इस फिल्म के लगभग सभी गाने रिलीज से पहले ही काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे भंसाली ने फिल्मी पर्दे पर इन गानों को टोटली मराठी अंदाज में पेश किया था इस फिल्म का गाना आले बाला साजन सलमान स्टार फिल्म हम दिल दिल्क सनम के गाने की याद दिलाता है बाजीराव मस्तानी फिल्म संजय लीला भंसाली का 12 साल पुराना सपना है जो आखिरकार उस शुक्रवार को दर्शक के सामने आया था और उनके सामने में रंग भरे थे रणबीर सिंह देवका पातकोड़ और प्रियंका चोपड़ा मिलन सोमन महेश मांजरेकर और तानवी आजमी ने संगीत निर्देशन और निर्देशक की कमान संभाली थी खुद संजय लीला भंसाली ने और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की थी सुदीप चटर्जी ने बाजीराव मस्तानी मराठा इतिहास का वह पन्ना है जिसे मराठी लेखक एन एस इनामदार ने उपन्यास के रूप में ढाला जिसका नाम था राहू संजय यह फिल्म सलमान खान और अश्चर्य राय के साथ बनाना चाहते थे संजय अपने क्राफ्ट के लिए मशहूर हैं और खास तौर पर बात आती है सेट कास्ट्यूम लाइटिंग और संगीत की खास तौर पर जब बात आती है सेट कास्ट्यूम लाइटिंग और संगीत की तो हर बार आपको उनसे नई उम्मीदें होती हैं और वे उन पर खड़े भी उतरते हैं और ऐसा ही होता है बाजीराव के साथ भी कमाल के दृश्य भव्य सेट बारीकी से की गई कास्ट्यूमिक डिजाइन बेहतरीन संगीत और काबिल तारीफ डांस फिल्म की भव्यता देखते ही बनती है अक्सर संजय अपनी फिल्मों में रंग से खेल अक्सर संजय अपनी फिल्मों में रंगों से खेलते हैं पर इस फिल्म में संजय ने ज़्यादा भड़कीले रंग इस्तेमाल न करके एक जैसे रंग का इस्तेमाल किया है जो फिल्म को एक फील देता है और अच्छा लगता है युद्ध के दृश्यों की बात करें तो इस मामले में मुझे या तो पृथ्वी राज कपूर के सिकंदर या बाहुबली के प्रभावित किया और या कुछ हद तक बाजीरा ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में रणबीर की मेहनत साफ नजर आती है और उनका अभिनय देखकर आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते पर मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा कहीं अपने डील डोल के मामले में मात खाते हैं दीपिका और प्रियंका चोपड़ा अपने किरदार में सटीक हैं और दोनों का ही काम बहुत खूबसूरत है फिर बात चाहे उनके अभिनय की हो या फिर डांस की वैसे एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर चमक धमक में कभी कभी फिल्म की कहानी की आत्मा कहीं खो जाती है ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ इस फिल्म के साथ जहाँ बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी आपके दिल में नहीं उतर पाती इनकी प्रेम कहानी की गहराई पर्दे पर नहीं उतर पाती और जिसकी वजह से दर्शक उसे महसूस नहीं कर पाते उसमें कमी कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की है इसके अलावा देविका के किरदार उनकी माँ मुस्लिम हैं और पिता हिंदू जो नमाज भी पढ़ती हैं तो उसे किरदार के तलफुज की और तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा यह फिल्म आपको देखनी चाहिए इसकी रेटिंग है थ्री स्टार अकॉर्डिंग टू एन इंडिया संजय लीला भंसाली की मूवी आई तब ज्यादातर लोगों को पता चला कि देश में कोई बाजीराव भी था कोई मस्तानी भी थी और उसका कोई बेटा भी था उस बेटे के नाम और धर्म को लेकर जो विवाद हुआ वो भी इस मूवी बाजीराव मस्तानी के जरिए ही लोगों को पता चला फिल्म बाजीराव मस्तानी खत्म हो जाती है और इसके बाद का इतिहास भी लोगों के लिए खत्म ही हो गया लेकिन ऐसे में बाजीराव के कृष्ण और शमशेर की बहादुरी की दास्तान खत्म नहीं हुई लेकिन ऐसे में बाजीराव के कृष्ण और शमशेर की बहादुरी की दास्तान खत्म नहीं हो गई बल्कि वो इतिहास के पन्नों में आज भी दबी पड़ी हैं और 14 जनवरी से बेहतर उन पन्नों पर धूल हटाने का और कोई मौका नहीं पानीपत के तीसरे युद्ध में जो 14 जनवरी सत्रह को हुआ था 18वीं शताब्दी में एक ही दिन में एक साथ इतनी मौतों का उदाहरण पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता ये दिन था लगातार जीतों के बाद मराठों के दम्भ के चकनाचूर होने का एक विदेशी अहमद शाह अब्दाली के साथ घर के भेदियों रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब के गठजोड़ का और कई हिंदू राजाओं के ना किसी वजह से युद्ध से दूर रहने का साथ ही कभी अपनी तेजी के लिए विख्यात मराठा सेना मुगल सेना जैसी लव लश्कर वाली सेना में तब्दील के फैसले को गलत साबित होने का और इसके लिए उन्हें भारी कीमत देनी पड़ी सजाउदौला तो के दीवान कासी ने इस युद्ध के लिए लिखा था करीब चालीस हजार मराठा युद्ध बंदियों को काट दिया गया था सुबह की माँ ने उसे सलाह भी दी थी कि रोहिल्लो के खिलाफ तुम्हारे पिता तुम्हें मराठों का साथ देना चाहिए लेकिन वो नहीं माना लेकिन वो नहीं माना जिसके मराठों को उम्मीद न थी उम्मीद यह भी नहीं थी कि मजबूत जाट राजा सूरज मल सदाशि राव से नाराज होकर युद्ध में उनका सहयोग करने से हाथ खींच लेगा जिसके चलते आसपास के इलाकों के जाटों ने भी मराठों को सहयोग करने से मना कर दिया अब्दाली ने जैसे ही मराठों की सप्लाई लाइन काटी मराठे स्थानीय मदद के बिना एक दिन पंगु हो गए काफी भयंकर युद्ध हुआ और तमाम मराठा सेनापति इस युद्ध में मारे गए और बाकी पकड़े गए और काट डाले गए इन्हीं मराठा योद्धाओं के बीच एक और मराठा मुसलमान बड़ी वीरता से लड़ रहा था लेकिन उसके पास कम सेना थी वो केवल पाँच की घुड़सवार टुकड़ी का सेनापति था नाम था उसका शमशेर बहादुर मराठा सेना जहाँ हथियारों के सहारे लड़ने के चलते बुरी तरह मात खा रही थी वही शमशेर बाजीराव पद से तीव्र घर से दौड़ते घोड़ों से ही युद्ध में मोर्चा संभाल रहा था और शायद पूरी सेना वही तकनीक अपनाती तो कारगर भी रहता उस वक्त तो सभी बड़े मराठा सेनापति मारे जा चुके थे तब सुध ली गई शमशेर बहादुर की बाजीराव मस्तानी का वो बेटा जिसका नाम बाजीराव ने बड़े प्यार से कृष्ण राव रखा था लेकिन पूना के पुरोहितों ने उसका उपनयन संस्कार के लिए से मना कर दिया था क्योंकि वो एक मुसलमान मस्तानी की कोख से जन्मा था बाजीराव उस वक्त पुरोहितियों से भिड़ गया था मस्तानी ने उसका नाम शमशेर बहादुर रख दिया था 1740 में पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की मौत के बाद मस्तानी भी ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाई मस्तानी की मौत के समय कुल छह साल का ही था शमशेर बहादुर उर्फ कृष्ण राव अब तक उसकी जिंदगी काफी मुश्किल भरी थी कई बार उसे मारने की कोशिश भी की गई थी ऐसे में सामने आई काशी बाजीराव की पहली बीवी जो बाजीराव की आखिरी निशानी था पेशवा खानदान का चिराग था और काशीबाई मस्तानी से नाराज होने के बावजूद कृष्णा से नाराज नहीं थी उन्होंने उसे अपने महल में ही रहने को बुला लिया और अपने ही बच्चों के साथ पाला साथ ही पढ़े साथ ही खेले और युद्ध का प्रशिक्षण भी साथ ही लिया पानीपत के तीसरे युद्ध में यानी सत्रह सौ इकसठ तक शमशेर बहादुर उर्फ कृष्णा राव सत्ताईस साल का हो चुका था उसका निकाह हो चुका था और उसके एक बेटा भी था अली बहादुर काशीबाई ने उसे पेशवा का बेटा मानकर ही उसके हिस्से में बुंदेलखंड की कालपी और बांदा की जागीरें दे दी बचपन में इतने तिरस्कार के बावजूद उसने कभी विद्रोह की कोशिश नहीं की मराठों और पेशवा खानदान के प्रति हमेशा वफादार रहा तभी तो पानीपत के तीसरे युद्ध में वो अपने घुड़सवारों के साथ वक्त से पहले तैयार था शायद वही वो अकेला योद्धा था जो आखिर तक अब्दाली और सुझाउ दौला छकाता रहा आखिर में वो बुरी तरह घायल हो गया और उसके सैनिक उसे बचाकर ले भागे भरतपुर के पास जाटों ने उसको शरण दी राजा सूरज की सेना ने सैकड़ों मराठा सैनिकों को शरण दी उनके घावों पर मरहम लगाया शमशेर बहादुर और उनकी सेना को भी सूरजमल और उनकी रानी ने काफी मदद की लेकिन शरीर के घाव काफी गहरे थे उससे ज्यादा यह सदमा था कि पूरा मराठा साम्राज खत्म सा हो गया था जिसके साथ वो पला बड़ा खेला था वो अब जिंदा नहीं थे शमशेर की वही मौत हो गई और उसकी याद में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में ही एक मकबरा बनवा दिया उस मकबरे में आज भी बाजीराव और मस्तानी के चित्र लगे हुए हैं इधर शमशेर बहादुर की मौत के बाद बेटे अली बहादुर ने उसकी जागीरें संभाल ली और बांदा शहर के नवाब की पदवी ली अली बहादुर का बेटा बाद में 1803 में हुए अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ा भी था। इस तरह बेटे उर्फ कृष्ण ने मरते दम तक अपनी मां मस्तानी के वचन की और पिता बाजीराव की विरासत की लाज रखी संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म बाजीराव मस्तानी आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि लोग अपने प्यार की तुलना बाजीराव मस्तानी से करते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार थी लेकिन साथ ही इस फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया था उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्या आप जानते हैं कि फ़िल्म की शूटिंग के लिए संजय भंसाली ने किन जगहों को चुना था चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी है वो जगह है जहाँ पर बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी लिखी और शूट की गई थी अजमेर के सबसे फेमस किले के, के लिस्ट में शामिल अमेर फोर्ट में बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी शूट की गई थी आमिर किला यूनेस्को की लिस्ट में एक विश्व विरासत स्थल है साथ ही राजस्थान के टूरिस्ट अट्रैक्शन की भी लिस्ट में शामिल है अमर फोर्ट एक ऊंची पहाड़ी पर राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था यहाँ आपको बता दें कि अम्बार या आमेर शब्द अम्बा देवी माँ से लिया गया है ऐसा कहा जाता है कि आमेर फोर्ट दिखे बिना राजस्थान को अलविदा नहीं कहना चाहिए जब बाजीराव मस्तानी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि एक मराठी योद्धा की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना इतना आसान नहीं है

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बेस्ट रोमांटिक सीन को दिखाने के लिए शीशा महल का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया शीशा महल को दर्पण के हाल के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ हाल जय मंदिर का एक हिस्सा ही है जो बेहद खूबसूरती से दर्पणों से सजाया गया है शीशा महल में छत और दीवारों पर लगे शीशे के टुकड़े लाइट पर पड़ने पर प्रतिबिंबित होते हैं जिसकी चमक पूरे हाल में फैल जाती है इस महल को जयपुरी के राजा जयसिंह ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया था ऐसा कहा जाता है कि इस महल में लगे शिस्से बेल्जियम से लाए गए थे इन सब किलों के अलावा जयगढ़ फोर्ट में भी बाजीराव मस्तानी के कई सीन की शूटिंग की गई थी बाजीराव मस्तानी फिल्म की शूटिंग की लोकेशन के बारे में जानने के बाद अगर ऐसा कहा जाए कि संजय लीला भंसाली को राजस्थान से खास लगाव है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा बाजीराव मस्तानी की कहानी पर फिल्म बनाने का सपना संजय लीला भंसाली वर्षों से संजोए हुए थे जो अब जाकर साकार हुआ था उन्होंने यह फिल्म सलमान खान और ऐश्वर्या राय को लेकर प्लान की थी और अब इसे रणबीर सिंह प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादकोड़ के साथ बनाया था फिल्म एक लंबे डिस्क्लेमर से शुरू होती है जो कि किसी तरह के विवाह से बचने की पतली गली है स्पष्ट है कि यह बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी पर आधारित है लेकिन निर्देशक ने ड्रामे को मनोरंजक बनाने के लिए अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा है फिल्म एन एम इनामदार के उपन्यास राव पर आधारित है मराठा शासक पेशवा यानी रणबीर सिंह से बुंदेलखंड के राजा अपनी बेटी मस्तानी यानी दीपिका पादकोड़ के जरिए दुश्मन से निपटने के लिए मदद मांगते हैं बाजीराव अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं मस्तानी भी युद्ध में बाजीराव के साथ हिस्सा लेती हैं उनके सौंदर्य और बहादुरी से बाजीराव प्रभावित होते हैं दूसरी ओर मस्तानी बाजीराव के इश्क में दीवानी हो जाती हैं बाजीराव से बताते हैं कि वह शादीशुदा हैं काशी यानी प्रियंका चोपड़ा उनकी पहली पत्नी हैं एक बेटा है लेकिन मस्तानी तो इश्क में डूब चुकी थी युद्ध के बाद बाजीराव पुना अपने नए महल शनिवारा में लौट जाते हैं कुछ दिनों बाद मस्तानी भी बुंदेलखंड से पूना आ जाती है अब बाजीराव और मस्तानी की मोहब्बत की के बाद बाजीराव की पत्नी काशी और उनकी माँ यानीतानवी आजमी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुँचता है मस्तानी का अपमान किया जाता है मस्तानी हिंदू पिता और मुस्लिम माँ की संतान है मुस्लिम धर्म को मानती हैं इस वजह से ब्राह्मण इस रिश्ते का विरोध करते हैं बाजीराव देखते हैं कि मस्तानी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो मस्तानी से विवाह रचा लेते हैं और उसके लिए मस्तानी महल बनवा देते हैं तमाम विरोधियों के बावजूद मस्तानी और बाजीराव का इश्क कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता है और कहानी मुख्यतः काशी बाजीराव और मस्तानी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म का स्क्रीन प्ले प्रकाश आर कपाड़िया संजय लीला भंसाली और मल्लिका दत्त घराडे ने मिलकर लिखा है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये तो वह ही बेहतर जानते हैं लेकिन स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि फिल्म बांध कर रखती है एक के बाद एक बेहतरीन दृश्य आते रहते हैं और आप बाजीराव मस्तानी की दुनिया में खो जाते हैं फिल्म एक शानदार युद्ध दृश्य से शुरू होती है और फिर बाजीराव मस्तानी के इश्क पर आ जाती है ड्रामे में जान तब आते हैं जब मस्तानी पून आती है और तमाम विरोध अपमान सहते हुए बाजीराव के प्रति इश्क जारी रखती है यहाँ से तीनों किरदारों की मनोदशा को बेहद सूक्ष्मता के साथ संजी लीला भंसाली ने पेश किया है एक और मस्तानी है जिसका बिना शर्त वाला इश्क़ जो उसके लिए इबादत है खुदा है तो दूसरी ओर महजब और रिश्तों के बीच जगड़ा हुआ बाजीराव, जिसके इश्क को दुनिया समझ नहीं पाती और वह सभी की नज़र में खलनायक बन गया है मस्तानी को मान सम्मान दिलाने के लिए वह सबसे भिड़ जाता है इन दोनों के बीच काशिब पिस्ती है जो चुपचाप सब सहती है और बिना अपराध के भी अपने पति को दूसरी स्त्री की बाहों में देखने का दुख उठाती है इन तीन किरदारों के, के मन की हलचल बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के कारण सतह पर आ जाती है और दर्शक इसे महसूस करता है ज़रूरत है धैर्य के साथ सब कुछ देखने और महसूस करने की किस किरदार से आपको सहानुभूति है यह आपकी सोच और समझ पर निर्भर है लेकिन एक आम दर्शक की नज़र में बाजीराव और मस्तानी की नकारात्मक छप बनती है क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद बाजीराव ने इश्क फरमाया और बिना कारण अपनी पत्नी काशी को दुख पहुंचाया पर ये इश्क है उम्र जात मजहब रिश्ते नहीं देखता अब किससे हो जाए कहाँ नहीं जा सकता संजय लीला बंसाली का निर्देशन लाजवाब है हर सीन को उन्होंने पेंटिंग की तरह पेश किया है उनका प्रस्तुतिकरण जादुई है जो दर्शकों को अलग दुनिया में ले जाता है हर सीन को उन्होंने भव बनाया है जो कहीं कहीं अतिरेक भी लगता है ज़रूरी नहीं है कि हर दृश्य में भीड़ खड़ी कर दी जाए कुछ प्रसंग जल्दबाजी में भी निपटाए गए हैं शायद समय का बंधन होगा बाजीराव को नाश्ता देख भी नहीं सुहाता लेकिन यह फिल्म की छोटी मोटी कमियां हैं फिल्म का क्लाइमैक्स बेहतरीन है जिसमें मृत्यु के पूर्व बाजीराव को नदी में दुश्मन की सेना खड़ी नजर आती है और वह हवा में तलवार चलाता है प्रकाश और कपड़िया द्वारा लिखा गया हर संवाद तारीफ के काबिल है और यह ड्रामे का मजा दोगुना कर देता है फिल्म के शर्ट देखने लायक हैं और सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी में रंग लाइट शेड्स का कमाल देखने को मिलता है संगीत खुद संजय लीला भंसाली का है और फिल्म के मोड के अनुरूप है, है। दीवानी और पिंगा इसमें से बेहतरीन है इनकी कोरियोग्राफी और फिल्मांकन जबरदस्त है तकनीकी रूप से फिल्म बेहद मजबूत और फिल्म के तकनीसियों की मेहनत नजर आती है रणवीर सिंह को अपने करियर में इतनी जल्दी ही इतना भारी भरकम रोल मिल गया डर था कि क्या वे निभा पाएंगे लेकिन उन्होंने कर दिखाया वह कैरेक्टर में घुस गए और बाजीराव के गेटअप में वे जमे हैं अपने लहजे फिजिक पर भी उन्होंने खूब मेहनत की और उनका काम शानदार रहा है हालांकि उनके अभिनय की भी सीमा है लेकिन अपनी सीमा के भीतर रहते हुए उन्होंने जितना बन पड़ा उससे ज़्यादा किया मस्तानी के किरदार में देविका पादगौड़ का, का अभिनय देखने लायक है वह बेहद खूबसूरत लगे हैं और दीवानगी में उनकी खूबसूरत कई गुना बढ़ जाती है इश्क में दीवानी एक राजकुमारी का किरदार उन्होंने बाखूबी जीवंत किया है प्रियंका चोपड़ा के पास संवाद कम थे और ज़्यादातर उन्हें चेहरे के भाव से ही अपने दर्द को बयां करना था और यह काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है पिंगा में उनका डांस दीपिका से बेहतर रहा बाजीराव की मां के रूप में तानवी आजमी अपने दमदार अभिनय के बूते पर पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं बाजीराव मस्तानी को देखने के अनेक कारण हैं और इसे आप एक बार जरूर देखें बाजीराव मस्तानी फ़िल्म की शुरुआत नए पेशवा बनने से शुरू होती है इसके लिए बाजीराव यानी रणबीर सिंह को चुना जाता है इसके बाद इस खुशी में सभी साम्राज के लोग खुशी मनाते हैं फिर अचानक बुंदेलखंड से मस्तानी यानी दीपिका पादकोर सहायता के लिए आती है और बाजीराव के सैनिकों से लड़कर सीधे बाजीराव से मिलती है और उनको मनाकर कर बुंदेलखंड ले जाती है वहां वो वहाँ पर प्रतिद्वंदियों से मिलकर युद्ध करते हैं और वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं इसके बाद बाजीराव बुन्देलखंड में होली मनाते हैं इसी बीच बाजीराव और मस्तानी में प्यार हो जाता है दूसरे दिन बाजीराव वापस पुड़े चले आते हैं इसी बीच जाते वक्त बाजीराव मस्तानी को अपनी कटार दे जाते हैं इस कारण बुंदेलखंड से इस कारण बुंदेलखंड में कटार से विवाह हो जाता है इस परंपरा के तहत मस्तानी पुड़े जाती है वहाँ पर वो बाजीराव की माता राधा यानी तानवी आजमी से मिलती हैं राधा मस्तानी को नहीं चाहती हैं इस कारण वो नफरत करने लगती हैं इसके बाद अप्पा सनियारवाड़ा दिखाते हैं तथा तो इसमें अद्भुत आयना महल भी दिखाते हैं मस्तानी जब राधाबाई से रिश्ते को मनाने के लिए कहती है तो घुंघरू देकर कहती है कि अब तुम्हारा रिश्ता हो गया अब से तुम महफिल में नाचोगी फिर सतारा में छतपथ साहू का बुलावा आता है तब बाजीराव वहाँ जाते हैं फिर राधाबाई एक नई चाल चलती है और मस्तानी को घुंघरू देकर भेज देती है लेकिन मस्तानी वह पहुँच कर घुंघरू छत्रपथ साहू के सामने रख देती है इस कारण पंत प्रतिनिधि यानी आदित्य पंचोली महफिल का अपमान मानते हैं लेकिन जब छतपथ साहू को पता चलता है कि वो राजा छत्रसाल की बेटी है तो वह इन्हें वापस जाने के लिए कह देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तब मस्तानी बोलते हैं कि मैंने बाजीराव से इश्क किया है बाजीराव चाहिए इसके पश्चात मस्तानी बाजीराव की प्रतीक्षा करती है उस वक्त तूफान आ जाता है और बाजीराव वहाँ आकर मस्तानी से विवाह कर लेता है इसी बीच काशीबाई यानी प्रियंका चोपड़ा को भी पता चल जाता है और वो भी नाराज़ हो जाती है फिर काशीबाई और मस्तानी के पुत्र होते हैं और उनका नामांकरण किया जाता है काशीबाई के पुत्र का नाम रघुनाथ रखते हैं जबकि मस्तानी के पुत्र का नाम शमशेर बहादुर नाम रखते हैं इसी बीच बाजीराव और चिमाजी अप्पा के बीच लड़ाई हो जाती है बाजीराव सभी से कहता है कि वो सप्तमी के दिन मस्तानी को शनिवारवाड़ा लाएंगे परंतु कृष्णभट्ट और राधाबाई ये नहीं करने को कहते हैं यह फिल्म सुप्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार नागनाथ इनामदार के उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास राव पर आधारित है यह उपन्यास मराठी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के सफलतम ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक है इसमें इतिहास एवं इतिहास रस दोनों की रक्षा करते हुए उत्कृष्ट सृजनात्मक का परिचय दिया गया है इस उपन्यास में स्वाभाविक रूप से भरपूर नाटकीयता विद्यमान है और पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई उत्तम धारावाहिक देख रहे हों इसके वर्णनात्मक दृश्य भी चलचित्र के दृश्यों की तरह मनस पलट पर अंकित रह है जाते हैं ऐसे उपन्यास पर आधारित होने से फिल्म में अनेक विशेषताएं स्वाभाविक रूप से आ गई हैं संजय लीला भंसाली जैसे सिद्ध निर्देशक के द्वारा यह कहानी और भी चमक उठी है फिल्म में पाठ रचना से कुछ अंतर आ जाना तो वास्तविक ही रहता है क्योंकि दोनों के मत भिन्न होते हैं परंतु इस फिल्म में कुछ अंतर जानबूझकर फिल्म में लटको झटकों के रूप में लाए गए हैं जिसमें इतिहास बोध को धक्का पहुंचा है आरंभिक दृश्यों में बाजीराव को पेशवा नियुक्त करने वाला दृश्य तो बहुत ही उत्तम एवं उपयुक्त भी है और उपन्यास से बाहर का होते हुए भी ऐतिहासिकता एवं इतिहास बोध के सर्वत्र रूप है परंतु जिस दृश्य में काशीबाई की पुरानी सहेली आती है जिसका पति पेशवा बाजीराव के कारण मारा गया है और इसलिए वह अपने पति की राख को वहाँ छोड़कर एक तरह से साफ देती है वहाँ स्पष्ट अंतर आ गया है उपन्यास में काशीबाई की कुशल गृहणी के रूप में गरिमा मई उपस्थित है जबकि फिल्म में काशीबाई को चंचल किशोरी के रूप में उछलते दिखलाकर इतिहास बोध को खंडित कर दिया गया है फिल्मकार यह भी भूल गया कि जिस काशी का ऐसा फिल्मांकन कर रहा है उनका बेटा नाना साहब जवान हो रहा है और वही उस उत्सव का मुख्य करता धरता था यहाँ काशीबाई पेशवा की पत्नी ना लगकर फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ही लगती हैं छत्रसाल की सहायता के लिए बाजीराव को मस्तानी के द्वारा सेना सहित से ले जाना भी बिल्कुल अनैतिहासिक रूप वाला हो गया है देखने में तो रोचक लगता है लेकिन मस्तानी के द्वारा ऐसा ना तो हुआ था और ना हो सकता था इस प्रकार के छोटे मोटे दृश्यों को छोड़ भी दे तब भी तो अच्छे में भूले फिल्मकार ने की है श्रीमंत बाजीराव पेशवा और काशी दोनों को अलग अलग समय में नचवा डाला है उस युग में और पेशवा परिवार में काशी उस युग में और पेशवा परिवार में काशी जैसी स्त्री जो एक तरह से रानी ही थी यदि नाचती होती तो नर्तकियों के विशेष रूप से रखने की आवश्यकता ही नहीं होती उसमें भी खास बात यह है कि जिस समय फिल्म में काशी बाई को मस्तानी के साथ नचाया गया है उन दिनों उसके पैर में बराबर होने वाला दर्द और भी बढ़ा हुआ था मस्तानी से काशीबाई की भेंट भी बिल्कुल भी भिन्न तरीके और फिल्मी लटको झटको वाली हो गई है अतः ऐतिहासिक के साथ रचनात्मक आनंद के लिए उक्त उपन्यास ही पढ़ना होगा परंतु महान बाजीराव पेशवा मस्तानी की अपूर्व प्रेम गाथा एवं दुर्धर्ष जीवन को महाराष्ट्र से बाहर भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस फिल्म ने प्रबल रूप से किया है इसके लिए फिल्मकार अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं लगभग सभी कलाकारों का अभिनय भी जीवंत एवं प्रशंसनीय है जो फिल्म को बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है वर्ष दो में संजीव लीला भंसाली ने इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय को चुना था जो उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में भी मुख्य किरदार में थे बाद में उन्हें उन दोनों के बीच हुए मतभेद के कारण बदलना पड़ा इसके बाद जुलाई 2003 में उन्होंने करीना कपूर और रानी मुखर्जी को बाजीराव की पत्नी के पात्र के लिए चुना भंसाली ने काफी विदकरण में यह बताया कि वह सलमान खान और करीना कपूर को इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वे पहले ही किसी अन्य फिल्म में कार्य कर रहे थे कुछ लोगों का यह भी अफवाह थी कि यजय देगन की जगह शाहरुख खान यह किरदार निभाएंगे इसके अलावा इसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादकौड़ रणबीर सिंह और कैटरीना काय के रहने की भी संभावना थी जुलाई 2014 में भंसाली जी ने सत्यापित किया कि इस परियोजना में रणबीर सिंह और दीपिका पादकौड़ को इस फिल्म में मुख्य किरदार चुना साथ ही प्रियंका चोपड़ा भी बाजीराव की पत्नी का किरदार निभाएंगी भंसाली जी ने दक्षा छेठ को उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी दी रणबीर सिंह इस फिल्म के लिए मराठी भाषा और घुड़सवारी सीखे थे फिल्म में अपने दमदार किरदार के लिए रणबीर अपना वजन भी बढ़ाए इसके साथ प्रियंका चोपड़ा भी पंद्रह दिनों तक मराठी शिक्षा ग्रहण की थी सितंबर 2015 में भंसाली जी ने सत्यापित किया कि तानवी आजमी बाजीराव की मां की भूमिका निभाएंगी इसमें सुगधा खंडके कर बाजीराव की बहन के किरदार और महेश मांजरेकर मराठा राजा की भूमिका निभाए थे जनवरी 2015 में वैभव धनवादी बाजीराव के छोटे भाई के किरदार के लिए चुने गए जनवरी 2015 में वैभव धनवादी बाजीराव के छोटे भाई के किरदार के लिए चुने गए तेईस सितंबर 2015 को इस फिल्म को फिल्माना शुरू किया गया दीपिका पादकोड़ ने फिल्म के निर्माण में आठ मार्च दो को राजस्थान से जुड़ी इससे पहले देविका ने अपने पिछले कार्यों में सितंबर 2014 के अंत तक किया और मार्च 2015 में अपने सभी कार्यों को समाप्त कर इस के कार्य में लग गई इसका मुख्य हिस्सा मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में बनाया गया अन्य हिस्सा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और वाई में किया गया फिल्म का संगीत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्माण किया गया है पहला सॉन्ग था दीवानी मस्तानी जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गर्मा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली और इसे गाया था श्रेया घोषाल गणेश चंद्र सिबे मुजप्पा अजीज नजा दूसरा सॉन्ग था आयात जिसके गीतकार थे ए एम तराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गाया था इसे अरिजीत सिंह ने तीसरा सांग था मल्हारी जिसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गायक थे इसके विशाल ददलानी चौथा सांग था मोहे रंग दुलाल जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गरिमा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली गाया था इसे बिरजू पंडित महाराज श्रेया घोषाल ने पाँचवा सांग था अलबेला सजन जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गर्मा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था शशि सुमन कुणाल पंडित पृथ्वी गांधर कनिका जोशी रसरग्गा का मांजरेकर छठा सांग था अब तो है जाने ना दूंगी जिसके गीतकार थे ए एम तुराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था पायल देव श्रेयाज पुढ़ा लिखने सातवां सांग था पिंगा जिसके गीतकार थे सिद्धार्थ गरिमा संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था श्रेया घोषाल वैशाली माड़े ने आठवां सांग था आज इबादत जिसके गीतकार थे एम एम तुराज संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था जावेद सबीर ने नवा सांग था फितोरी जिसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था वैशाली माड़े गणेश चंदन सिबे ने दसवा सांग था गजाना जिसके गीतकार थे प्रशांत तिंगोले संगीतकार थे संजय लीला भंसाली इसे गाया था सुखबंदर सिंह ने बाजीराव मस्तानी एक भारतीय ऐतिहासिक रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया है फिल्म मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बारे में बताती है रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने दोनों मुख्य किरदार निभाए हैं प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी व तानवी आजमी ने बाजीराव की मां का किरदार निभाया है बाजीराव मस्तानी अठारह दिसंबर दो को रिलीज हुई थी इसमें रणवीर सिंह ने मराठा साम्राज्य का योद्धा बाजीराव के रूप में भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी काशी की भूमिका निभाई थी देविका पादकोल ने बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी की भूमिका निभाई थी तनवी आजमी ने बाजीराव की मां राधाबाई की भूमिका निभाई थी साल 2015 की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म बाजीराव मस्तानी तो आप सभी ने देख ही ली होगी हम ये तो नहीं कह रहे कि इससे बढ़िया और बेहतरीन फिल्म कोई नहीं हो सकती लेकिन एक बात तो तय है कि इस फिल्म की भव्यता इसकी एक बड़ी खूबी रही हम यहाँ आपको किसी तरह से किसी भी फिल्म का रिव्यू या आलोचना नहीं करने जा रहे हैं हम तो यहाँ आपको बाजीराव के जीवन की उन दो तो महिलाओं से अवगत करवाने जा रहे हैं जो वैयक्तिक तौर पर बेहद प्रभावित तो थी ही लेकिन उनके बिना बाजीराव का जीवन भी अधूरा ही था हम बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव की दोनों पत्नियों काशिबाई और मस्तानी की बहुत से लोग मस्तानी को बाजीराव की पत्नी नहीं केवल प्रेयसी ही मानते हैं लेकिन कई यह भी कहते हैं कि मस्तानी और बाजीराव का विवाह हुआ था समर्पण और प्रेम खैर यह भी अलग बात है कि इन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं क्योंकि बाजीराव का उनके प्र समर्पण और प्रेम कभी किसी से छिपाए नहीं छिपा और ना ही कभी उन दोनों ने अपने प्रेम को छिपाया कुछ इतिहासकारों ने मस्तानी को बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल जिन्होंने बुंदेलखंड में पन्ना राज की स्थापना की थी की बेटी मानते हैं मस्तानी राजा छत्रसाल और उनकी मुसलमान पत्नी रूहानी बेगम जो कभी हैदराबाद के नवाब के महल में नर्तकी थी की संतान थी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजा छत्रसाल ने मस्तानी को गोद लिया था मस्तानी का बचपन छतरपुर मध्य प्रदेश से पंद्रह किलोमीटर दूर मऊ सहानिया में बीता था जहाँ मस्तानी महल भी स्थित है घुड़सवारी और तलवारबाजी मस्तानी बेहद सुंदर तो थी ही साथ ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी की भी उस्ताद थी वह एक बेहतरीन नर्तक थी उम्दा गायिका भी थी जिसके आधार पर बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव पेशवा प्रथम के महल में नर्तक की थी मुगलिया शासक साल उन्नीस सौ सत्ताइस से उन्नीस सौ अट्ठाइस के बीच जब इलाहाबाद के मुगलिया शासक पठान मोहम्मद वंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया तब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी को उनके पास भेजा था बाजीराव की सहायता से बंगस की सेना को खदेड़ दिया गया आभार बाजीराव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजा छत्रसाल ने बाजीराव को तैंतीस लाख सोने की मोहरे एक हीरे की खदान कुछ गांव और अपने साम्राज्य का एक तिहाई भाग सौंप दिया जिसमें कालपी झांसी और सागर शामिल थे उप इसके अलावा बाजीराव ने अपनी पुत्री मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को सौंप दिया कुछ कहते हैं कि बाजीराव ने मस्तानी से विवाह किया था तो कुछ मानते हैं कि वह उनकी उप थी बेहतरीन योद्धा जब भी बाजीराव किसी युद्ध पर जाते थे तब मस्तानी भी उनके साथ ही होती थी बाजीराव की इतना बेहतरीन योद्धा थी मस्तानी की एक संतान बाजीराव पेशवा और मस्तानी की एक संतान थी जिसे पहले कृष्ण राव नाम दिया गया लेकिन बाद में नाम बदलकर शमशेर बहादुर किया गया मुगल विरासत को बरकरार रखने के लिए बाजीराव ने अपने पुत्र का नाम शमशेर बहादुर रखा था काशी और मस्तानी बाजीराव काशी और मस्तानी दोनों के प्रति समर्पित थे लेकिन उनकी माता राधाबाई को एक मुसलमान युवती के साथ अपने पुत्र का विवाह रास नहीं आ रहा था वह हर संभव प्रयास करती थी कि बाजीराव के जीवन से मस्तानी का नाम तक मिट जाए बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और पेशवा के पुत्र नाना साहब ने कई बार मस्तानी की हत्या का प्रयास किया मस्तानी को शनिवारवाड़ा बाजीराव का महल से काफी दूर रखने के लिए भेजा गया परंतु उन्हें दूर करने की हर कोशिश नाकाम रही परंतु एक बार उन्हें यह मौका मिल गया जब बाजीराव किसी काम की वजह से अपने राज्य से दूर थे इस अवसर का लाभ उठाकर अप्पा और नाना साहब ने मस्तानी को कैद कर लिया बाजीराव पेशवा बाजीराव पेशवा को यह खबर मिल गई कि मस्तानी को बंदी बना लिया गया है इससे पहले वे कुछ कर पाते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ते गए और अंततः उनतालीस साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उधर जब मस्तानी को बाजीराव की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने भी अपनी अंगूठी में रखे जहर को पीकर आत्महत्या कर ली कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मस्तानी अपने पति बाजीराव के शव के साथ सती हो गई थी बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद काशीबाई ने भी शमशेर बहादुर की देखरेख की और जब वह बड़ा हुआ तो उसे बंदा और जलपी की जागीरें सौंप दी इस तरह बाजीराव मस्तानी का नाम एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ गया जिसे इतिहास भी अलग नहीं कर पाया पेशवा का 20 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में अभिषेक किया गया अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए अगले 20 वर्षों तक उन्हें 41 युद्ध लड़ने के लिए जाना जाएगा बाजीराव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी लड़ाइयों को जीता जिन्हें उन्होंने लड़ा था यद्यपि उनके सैन्य पराक्रम और उपलब्धियां आकर्षक हैं लेकिन बुंदेली राजा की बेटी मस्तानी के लिए उनका प्रेम और अधिक दिलचस्प है लोकप्रिय कहानियां उनके प्यार के लिए प्रशंसात्मक गीत गाती हैं जो दुर्भाग्यवश त्रासदी में समाप्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव और मस्तानी अपने आप में ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे मस्तानी बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बुंदेलखंड के राजा और उनकी मुस्लिम पत्नी की बेटी मस्तानी बहुत अधिक खूबसूरत थी दिसंबर 1728 में मुगलों को मोहम्मद दिसंबर 1728 में मुगलों के मोहम्मद खान वंकश ने बुंदेलखंड पर हमले की योजना बनाई थी छत्रसाल ने बाजीराव को हमलावर वंकश के खिलाफ सहायता के लिए पत्र लिखा छत्रसाल का पत्र मिलने के बाद बाजीराव उनकी मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गए बंगास युद्ध हार गया और कैद कर लिया गया बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह कभी बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं करेगा सहायता के लिए अत्यधिक आभारी छत्रसाल ने अपने साम्राज्य को तीन भागों में विभाजित किया और एक भाग बाजीराव को भेंट किया इस भाग में झांसी सागर और कालपी शामिल थे पंगास के खिलाफ लड़ाई के बाद छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को देने की पेशकश की थी बाजीराव ने मस्तानी को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकारा उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी वह मस्तानी की कई प्रतिभाओं से आकर्षित थे वास्तव में मस्तानी सुंदर होने के अलावा घोड़े की सवारी तलवार से लड़ना धार्मिक अध्ययन युद्धों के मामलों कविता नृत्य और संगीत में भी निपुण थी यह भी माना जाता है कि वह कई सैन्य अभियानों में बाजीराव के साथ भी लड़ी थी मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया था लेकिन स्थानीय ब्राह्मण समुदाय ने लड़के को मराठा सम्राज के लिए सही वारिस के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि मस्तानी आधी मुस्लिम थी उन्होंने यह भी अफवाहें फैला दी कि मस्तानी छत्रसाल की बेटी नहीं है वह केवल एक नर्तकी है कासिम मस्तानी से शादी कर रहे बाजीराव के खिलाफ नहीं थी उन दिनों में एक राजा दु... उन दिनों में एक राजा के दूसरे विवाह को नीचा नहीं देखा जाता था लेकिन काशिबाई और मस्तानी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी जब काशिबाई का पुत्र कम उम्र में ही मर गया एक तरफ काशीबाई अपने बेटे को खोने के दुख से उबर रही थी दूसरी तरफ मस्तानी साम्राज्य में धीरे धीरे प्रभावशाली हो रही थी इससे काशी परेशान थी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काशी को मस्तानी के जवान लड़के से जलन हो गई थी बाजीराव और मस्तानी को अलग करने के लिए कई प्रयास किए गए थे सेवनटीन थर्टी फोर में बाजीराव ने कोथ रोद में मस्तानी के लिए एक अलग निवास का निर्माण किया यह स्थान अभी भी कार्वे रोड पर श्रीमंती जय मंदिर के पास मौजूद है अप्रैल ट्वेंटी वन सेवनटीन फोर्टी को बाजीराव की उनतालीस वर्ष की उम्र में खराब सत्य की वजह से मृत्यु हो गई मस्तानी भी बाजीराव के निधन के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रही उनका भी निधन हो गया मस्तानी की मृत्यु के बारे में लिखित दस्तावेज नहीं है लोकप्रिय धारणा है कि बाजीराव की मौत के बारे में खबर सुनने के बाद उन्होंने जहर खा लिया था कुछ लोग कहते हैं कि मस्तानी बाजीराव के अंतिम संस्कार में कूद कर सती हो गई थी कई इतिहासकार मानते हैं कि मस्तानी गंभीर हत्या का शिकार थी उन्हें कुछ लोगों द्वारा एक नर्तकी चित्रित किया गया था हालांकि वह भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थी बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अयासी नहीं जो लोग इसको दुनियावी चश्मे में लगे धर्म जात समाज के लाइन से देखते हैं उन्हें भी पेशवा बाजीराव और उन्हें टूट कर चाहने वाली मस्तानी की प्रेम कहानी में रूहानी एहसास मिलेंगे ये तो हमारी सिनेमाई कहानियाँ प्रेम के दृश्यों संवादों गीतों से पटी पड़ी हैं लेकिन यह संजय भंसाली का कमाल है कि वह ऐसे नए अनूठे और अनदेखे संसार में रचते हैं उन्होंने इतिहास में मिलने वाली बाजीराव मस्तानी की कहानी को सिनेमाई लचीलेपन के साथ भव्य और मनोरंजक बनाया है हालांकि इससे कई लोग असहमत हैं परंतु इसमें संदेह नहीं कि भंसाली ने अतीत की एक प्रेम कहानी को पर्दे पर लाकर पुनर्जीवित किया है इसके बारे में लोग मराठा इतिहास से बाहर कम ही जानते हैं फिल्म कुछ हिस्सों में आपको क्लासिक मुगल आजम जैसा एहसास दिलाती है हिंदुस्तान के मुगल कालीन वर्वच वाले इतिहास में मराठों का उदय महत्वपूर्ण अध्याय है इसी अध्याय में पेशवा श्रीमंत बाजीराव बल्लाळ भट 1700 से 1740 हुए उन्होंने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा लेकिन तलवार की ताकत से सबको झुका लेने वाला यह वीर बिन्देलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी के हाथों अपना दिल हार बैठा मस्तानी जिसकी रगों में राजपूत पिता और मुस्लिम मां का रक्त दौड़ रहा था बंसाली की कहानी शुरुआती मिनटों में हर हर महादेव के नारों और लहराते भगवा ध्वजों के साथ बाजीराव की वीरता से परिचय करने के बाद उनके और मस्तानी के उन्मुक्त प्रेम का दाम्पत्य के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध तत्कालीन समाज के धर्म को लेकर संकीर्ण सोच के सामने लाने की तरफ बढ़ जाती है इन बातों के बीच बाजीराव और मस्तानी ऐसे किरदार के रूप में उभरते हैं जो प्रेम और मानवता का परचम बुलंद करते हैं इसके साथ एक अरुण कहानी बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई की है पेशवाई में सबसे ज़्यादा अनहान सहन करना पड़ता है पेशवाइन बाई पेशवा की पत्नी को इस किरदार की असहाय स्थिति को प्रियंका चोपड़ा ने खूबसूरती से निभाया है बंसाली अपनी कहानी में लगातार संदेश देते हैं कि प्रेम जात धर्म के दायरों से ऊपर है प्रेम के लिए आप भी जी सकते हैं और मर भी सकते हैं फिल्म अपनी कहानी के साथ बेहतरीन दृश्यों के लिए यादगार है बंसाली ने महाराष्ट्र संस्कृत को पर्दे पर आकर्षक रंगों में रंगोली सा केरा है बबिता के बीच यह एक सादगी भी है और सब कुछ बहुत भड़काता तड़काता भी है यह आँखों को सुख देता है फिल्म में संवाद अच्छे हैं और कुछ शेर व शायरी भी हैं गीत संगीत नृत्य सुनने देखने में अच्छा है बाजीराव के रूप में रणबीर सिंह की एनर्जी काबिल तारीफ़ है किसी किरदार में इतना करंट आपने आखिरी बार कब देखा था यह सोचने के लिए आपको दिमाग पर अच्छा खासा जोर देना पड़ेगा मात्र चालीस साल की उम्र में गुजर जाने वाला है पेशवा युद्ध और प्रेम दोनों की अवस्थाओं में इतना ही ऊर्जावान रहा होगा रणबीर को देख यह विश्वास होता है मस्तानी के रूप में देविका सुंदर लगी हैं मगर योद्धा के रूप में वह और निखर कर आती हैं हालांकि बाजीराव के घर आने के बाद उनके किरदार की खूबियाँ कुछ सिमट सी गई मालूम पड़ती हैं निर्देशक उन्हें उभार सकता था परंतु ऐसे में वह प्रियंका पर भारी पड़ जाती प्रियंका को कहानी और पर्दे पर पर्याप्त जगह मिली है जिससे उन्होंने दर्शकों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यह उनके करियर की एक बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है बाजीराव की माँ आई साहेब के रूप में तानवी आजमी एक उमदा और यादगार रखने योग्य भूमिका में हैं ऐसा लगता है कि निर्देशक पर फिल्म को एक तय अवधि में समेटने का आंतरिक दबाव था इस कारण मस्तानी समेत कुछ किरदार थोड़े दबे रह गए इसी तरह कहानी तथा पटकथा में कल्पनाशीलता के साथ थोड़ी और मेहनत की गई होती तो यह फिल्म क्लासिक की श्रेणी में शामिल होती यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखन ही सिनेमा की रीढ़ है आइए जानते हैं बाजीराव मस्तानी से जुड़े कुछ फैक्ट्स इतिहास पर बनी यह भंसाली की पहली फिल्म है बंसाली ने बहुत समय पहले ही सलमान खान और असर राय को इस फिल्म में लेने की सोची थी बाद में सलमान खान ने कैटरीना को इस फिल्म में लेने की सिफारिश की थी लेकिन यह विचार काम नहीं कर पाया था बंसाली बाद में मस्तानी के किरदार के लिए करीना कपूर और काशिबाई के किरदार के लिए रानी मुखर्जी के पास गए थे लेकिन बात नहीं बनी थी इसके बाद दस साल बाद डायरेक्टर अजय देवगन के पास बाजीराव के किरदार के लिए गए लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण उन्होंने मना कर दिया रामलीला फिल्म की सफलता के बाद भंसाली ने अंत में रणबीर कपूर और दीपिका पाथकोड़ को फिल्म में लिया दीपिका ने कथक सीखने के लिए डांस क्लास ज्वाइन की थी रणबीर कपूर ने किरदार में ढलने के लिए सच में अपने बाल कटवाए थे प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए मराठी भाषा सीखी थी पिंगा गाने का यादगार स्टेप भंसाली के कुक ने बनाया था बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र के रूप में कोकड़ अस्था प्रांत में हुआ था जो छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे बीस वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात साहू ने दूसरे अनुभवी और पुराने दावेदार को छोड़कर बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया इस नियुक्त से स्पष्ट हो गया था कि साहू को बाजीराव के बालपन से ही उनकी बुद्धिमता का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने पेशवा पद के लिए बाजीराव की नियुक्ति की बाजीराव सभी सिपाहियों के बीच लोकप्रिय थे और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है बाजीराव वह थे जिन्होंने इकतालीस या उससे भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी न हारने की वजह से विख्यात थे जनरल मोटा गोमरी ब्रिटिश जनरल और बाद में फील्ड मार्शल ने द्वितीय युद्ध के बाद लिखित रूप में यह स्वीकार भी किया था अपने पिता के ही मार्ग पर चलकर मुगल सम्राटों को समझकर उनकी कमजोरियों को खोजकर उन्हें तोड़ने वाले बाजीराव पहले व्यक्ति थे सैयद बंधुओं की शाही दरबार में घुसपैठी या दखल अंदाजी बंद करवाना भी उनके आक्रमण का एक प्रभावी निर्णय था बाद में ग्वालियर के राजोसी सिंधेश का साम्राज्य इंदौर के होलकर बड़ौदा के गायकवाड़ और धार के पवार इन सभी का निर्माण बाजीराव द्वारा मराठा साम्राज्य के खंड के रूप में किया क्योंकि वे मुग़ल साम्राज्य के प्रतिशोध को लेकर उनका विनाश करके उनकी जागीरदारी बनाना चाहते थे उन्होंने अपना स्तंभ सासवट से और मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी पूजी को सेवनटीन ट्वेंटी एट में सातारा से पुड़े ले गए इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक कस्बे को शहर बनाने की भी नींव रखी उनके प्रमुख बापूजी जी श्रीपाठ ने सातारा के कई धनवान परिवारों को पूना स्थापित के लिए मनाया जो अट्ठारह पेट में विभाजित किया गया था सेवनटीन में महाराजा छत्रसाल की मृत्यु पश्चात मराठा साम्राज्य मित्र साम्राज्य रूपी था जबकि बाजीराव को छत्रसाल साम्राज्य का एक तिहाई भाग बुंडेलखंड में दिया गया एक उत्कृष्ट सेना का सेनापति होने की वजह से उनकी सेना और लोग उन्हें बहुत चाहते थे वह कई बार हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों से लड़े और उन्हें धूल भी चटाई और हमेशा के लिए मुगलों को उत्तरी भारत पर ध्यान करने के पूर्व ही मध्य और पश्चिमी भारत से दूर रखा बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई और इन्हें दो जुड़वा बच्चे भी हुए बाद में नाना साहब को साहू ने 1740 में नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया और उनके दूसरे बेटे का नाम रघुनाथ राव था मस्तानी पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बाजीराव चौथे मराठा छतपथ साहू राज्य भोसले के साम्राज्य में मराठाओं के सेनापति और प्रधान थे ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी बहुत, बहुत बहादुर और सुंदर महिला थी इतिहास में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति मस्तानी से जुड़े हैं और उनसे जुड़ी बहुत सी कथाएँ भी हैं मस्तानी बुंदेलखंड के राजपूत नेता राजा छत्रसाल की पुत्री थी जो बुंदेलखंड प्रांत के संस्थापक थे मस्तानी को जन्म उनकी फारसी मुस्लिम पत्नी जो हैदराबाद के निजाम के दरबार में नर्तकी थी जब सत्रह सौ सत्ताइस से सत्रह सौ अट्ठाईस के समय पर अलाहाबाद के मुगल साम्राज्य प्रमुख मोहम्मद खान बंगाल ने छत्रसाल साम्राज्य पर आक्रमण किया तब छत्रसाल ने एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी जिससे उनकी सहन शक्ति बढ़ सके बाजीराव तुरंत महाराजा छत्रसाल की सहायता के लिए आगे बढ़े और धन्यवाद के स्वरूप छत्रसाल ने बाजीराव को उपहार स्वरूप अपनी बेटी मस्तानी दी और उनके साम्राज्य का एक तिहाई भाग भी दिया जिसमें झांसी सागर और कालपी का भी समावेश था महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव और मस्तानी के विवाह उपलक्ष्य में हीरो की खदान भेंट स्वरूप दी ऐसे कई सारे प्रसंग मस्तानी के जीवन से जुड़े हैं छत्रसाल से दूसरे दृष्टिकोष से देखा जाए तो वो हैदराबाद के निजाम की कन्या थी छत्रसाल को निजाम को सिक्सटीन नाइन्टी एट में पराजित किया था और निजाम की पत्नी ने बुंदेल और उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित होने हेतु तो उनकी बेटी से विवाह कराने की सलाह दी क्योंकि उस समय मध्य भारत में छत्रसाल साम्राज्य सबसे सशक्त और शक्तिशाली साम्राज्य था कहानी के तीसरे अध्याय के अनुसार बाजीराव और छत्रसाल की मित्रता होने के पश्चात मस्तानी या छत्रसाल के दरबार की नजर की थी बाजीराव मस्तानी के प्रेम में पड़ने के बाद उनका मस्तानी से विवाह हुआ जिसका बाजीराव उच्च दर्जे के ब्राह्मण होने की वजह से पूरे ब्राह्मण समुदाय एवं हिंदुओं ने विरोध किया जहां बाजीराव ने स्वीकार किया कि मस्तानिया अच्छी साल के फारसी मुस्लिम के पत्नी की बेटी थी मस्तानी का वाध्य रूप से विवाह होने के बावजूद अक्सर उसे बाजीराव के रखेल या प्रेम का कहा जाता था मस्तानी एक कुशल घुड़सवार थी और साथ साथ भाला फेंक और तलवारबाजी भी करती थी और एक बुद्धमान नर्तकी एवं गायिका थी मस्तानी ने हमेशा सहन अभियान में बाजीराव का साथ दिया मस्तानी और बाजीराव की पहली पत्नी काशिबाई ने बाजीराव को एक एक पुत्र दिया परंतु काशिबाई का पुत्र जल्दी ही मर गया और मस्तानी का पुत्र था जिसका नाम शमशेर बहादुर था बाजीराव ने शमशेर को बांदा की जागीर प्रदान की थी सेवनटीन सिक्सटी वन के पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं की तरफ से लड़ा था और यह कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उसे वीरगति प्राप्त हुई बाजीराव काशीबाई और उनकी माता राधिबाई के मस्तानी के प्रति क्रोध को नज़रअंदाज कर उनके अपनी धर्म मुस्लिम पत्नी मस्तानी को प्रेम करता गया राधाबाई की ओर से रहते हुए बाजीराव का भाई हमेशा मस्तानी को वनवास भेजने की नाकाम कोशिश करता रहता था बाजीराव का पुत्र बालाजी भी मस्तान को उनके पिता को छोड़ने के लिए मजबूर करता था लेकिन मस्तानी इस सबसे असहमत थी परंतु बाजीराव बार बार इसे नज़रअंदाज करते गए और इसी का फायदा उठाते हुए बालाजी ने मस्तानी को जब बाजीराव अपने सैन्य अभियान में व्यस्त थे तब कुछ समय के लिए उसे घर में ही कैद करके रखा बाद में कुछ समय पश्चात मस्तानी बाजीराव के साथ पुणे के शनिवारवाड़ा में महल के उत्तर पूर्व किनारों पर महल को मस्तानी महल और बाहरी द्वार को मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया बाजीराव परिवार के मस्तानी के साथ दुर्व्यवहार के कारण बाद में बाजीराव ने मस्तानी के लिए सेवनटीन थर्टी फोर में कोट रोड में एक अलग निवास स्थान बनाया जो शनिवारवाड़ा से कुछ ही दूरी पर था यह स्थान आज भी कारवी रोड पर मृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है जहाँ कोथरूट के महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वो आज भी राजा केलकर संग्रहालय के विशेष विभाग में देखा जा सकता है परंतु इस संबंध में मस्तानी से जुड़े कोई सरकारी कागज बाजीराव के साम्राज्य में दिखाई नहीं देते इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजा केलकर संग्रहालय और वाई संग्रहालय में जो बाजीराव और मस्तानी की पेंटिंग्स लगी हैं वो परमाणु की असली नहीं हैं अट्ठाईस अप्रैल में बाजीराव अपने की जमीन का निरीक्षण कर रहे थे तब आकस्मिक बुखार की वजह से उनकी मृत्यु वर्ष की उम्र में हुई तब चिमाजी अप्पा बालाजी और मस्तानी भी आए थे जहां अट्ठाईस से अप्रैल सेवनटीन फोर्टी को नर्मदा नदी के किनारे रावण खेड़ में उनके शरीर को अग्नि दी गई और इसके कुछ समय पश्चात ही पुणे के समीप पबल गाँव में मस्तानी की मृत्यु हो गई उनके लिए दिल्ली में सैन का रास्ता भी बनाया गया जिसका शिविर खरगोन जिले में इंदौर के पास बना हुआ है उनकी याद में एक शिव मंदिर भी बनाया गया जो उसी के निकट स्थित है पैराणिक कथाओं के अनुसार बाजीराव के की मृत्यु की खबर सुनते ही मस्तानी ने अपनी अंगूठी का जहर पी आत्महत्या कर ली थी वही दूसरों का ऐसा मानना है कि उसके पति के दाह संस्कार के वक्त उसने बाजीराव की चिता पर छलांग लगाई थी परंतु इस प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जो मस्तानी की मृत्यु का असली कारण बता सके परंतु यह अक्सर कहा जाता है कि बाजीराव की सेवनटीन फोर्टी में मृत्यु के पश्चात मस्तानी ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रही मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव पर बनी पीरियडिक फिल्म को दर्शक खूब सराह रहे थे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे रणबीर सिंह बाजीराव के किरदार में खूब जम रहे थे वही दीपिका पादकोड़ भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ करती हुई नजर आई थी एक्शन रोमांस और बेहतरीन डायलॉगबाजी से सजी फिल्म बाजीराव मस्तानी को एक बेहतर फिल्म कहा जा सकता है संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने की घोषणा साल 2003 में ही कर दी गई थी लेकिन तब संजय इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे कुछ कारणों के चलते बात नहीं बन पाई तो करीब बारह साल बाद संजय ने देविका और रणवीर सिंह को लेकर इस फिल्म को बनाया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फिल्म कितनी अच्छी है या बुरी फिल्म ऐतिहासिक कहानी मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव भलाल के जीवन पर आधारित है जो अपने साम्राज्य के साथ निजी जिंदगी पर बहुत ध्यान देते हैं बाजीराव की इच्छा है कि वह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके हालांकि आधे हिंदुस्तान पर वो अपना राज्य कायम कर चुके होते हैं वही इस फिल्म में बाजीराव की बीबी की कहानी भी काफ़ी रोचक है बाजीराव की शादी काशिबाई से होती है जो अपने पति बाजीराव से बेहद प्यार करती हैं युद्ध के दौरान एक बार बाजीराव का बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से आमना सामना होता है दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और जाने अनजाने में इनकी शादी भी हो जाती है मस्तानी खूबसूरती और वीरता की एक मिसाल है इनका विवाह कई लोगों जैसे बाजीराव की पहली पत्नी काशी बाई और बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा अपा को नामंजूर है इसे शमकज के साथ कहानी आगे बढ़ती है बाजी और मस्तानी की शादी की समस्या या बाजीराव और मस्तानी की शादी में समस्या यह होती है कि बाजीराव हिंदू हैं और मस्तानी मुस्लिम इसके बाद फिल्म की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आने लगते हैं इन दोनों के प्रेम कहानी और इसी के साथ युद्ध के भावात्मक दर से फिल्म के संदेश को उनके साथ अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं क्या बाजीराव मस्तानी का यह शख्त दुनिया को गंवरा होगा क्या इसके अंत में सब ठीक होता दिखेगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस फिल्म में आपको मिलते हैं फिल्म में दिखाया गया खूबसूरत भविष्य संजय लीला भंसाली की झलक दिखाता है फिल्म के गानों ने पहले से ही लोगों को दीवाना बना रखा था और बड़े पर्दे पर इन्हें देखना एक अच्छा अनुभव हो सकता है इसके अलावा दीपिका और रणबीर सिंह की शानदार केमिस्ट्री हम पहले से ही गोलियों की रासलीला रामलीला में देख चुके हैं इसे भंसाली ने काफी अलग ढंग से इस फिल्म में पेश किया है इनकी प्रेम कथा यहाँ दर्शकों के दिलों को छू जाएगी करीने में पृथ्वी ही नजर आएगी आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तकरीबन पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी आपको बता दें कि संजय लीला आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली को यह फिल्म बनाने की तरकीब पुस्तक राव पढ़ने के बाद आई थी संजय लीला भंसाली लंबे समय से बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे देवदास के समय से ही उन्होंने इस पर भी सोचा था तब उन्होंने सलमान खान और रानी मुखर्जी के नाम पर विचार किया था संयोग ऐसा रहा कि वह फिल्म नहीं बन सकी फिर भी बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी उन्हें मतती रही इस दौरान उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति की जिज्ञासा रहती थी कि आखिर कब बाजीराव मस्तानी पर फिल्म बनेगी गोलियों की रासलीला रामलीला के निर्माण निर्देशन और सफलता के बाद संजय ने महसूस किया कि रणबीर सिंह और देविका पातकोड़ के रूप में उन्हें अपने किरदार मिल गए हैं और उन्होंने फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया शुरुआत में फिल्म धीरी रही लेकिन जब एक बार उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो प्रतिद्वंदी फिल्म को अच्छी टक्कर दे डाली संजय लीला भंसाली गुजराती हैं लेकिन बचपन से वो मराठियों के बीच रहे हैं मराठी संस्कृत और भाषा का उन पर बहुत प्रभाव है बाजीराव मस्तानी के निर्माण की वजह से पूछने पर वह बताते हैं मैं बचपन से मराठी सभ्यता संस्कृत और संगीत से जुड़ा रहा हूँ मराठा इतिहास में अनेक रोचक घटनाएँ हैं कई दिलचस्प कहानियाँ हैं उनमें से एक बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी है मैं उसे पर्दे पर लाना चाहता था आप देखें कि बहादुर बाजीराव ने 40 लड़ाइयाँ जीती मस्तानी की वजह से वह अपने परिवार के आगे हार गया वह चाहता तो सभी के विरोध के बावजूद मस्तानी को महल में ला सकता था वह योद्धा था गौर करे तो हर युग में जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसका विरोध होता है आज भी हो रहा है मेरे लिए जानना रोचक था कि बाजीराव ने ऐसा क्यों किया इस फिल्म में कलाकारों के सटीक चुनाव की अहम भूमिका रही बाजीराव के किरदार में रणबीर सिंह मस्तानी के लिए दीपिका पातकोड़ और काशी के लिए प्रियंका चोपड़ा को बाजीराव मस्तानी में लाने का मन संजय लीला भंसाली ने गोलियों की रामलीला रासलीला से ही बना लिया था रणबीर और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए भी उपयुक्त लगी काशीबाई की भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा के चुनाव ने जरूर हैरत में डाला फिल्म में काशी के लिए कम स्पेस था प्रियंका चोपड़ा बताते हैं रोल सुनते समय संजय सर ने मुझे स्पष्ट कहा था कि काशी मेरी फिल्म का संघर्ष है उन्होंने सबसे पहले मेरी कास्टिंग की थी फिल्म में काशीबाई के किरदार को संजय सर ने उस समय की एक समझदार औरत के रूप में दिखाया है जब उसे एहसास हो गया कि उसका पति मस्तानी के प्रेम में डूबा हुआ है तो उसने उसे मुक्त कर दिया आखिर में उसने अपने पति के लिए मस्तानी को आज़ाद भी किया और एक औरत का दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपने समर्पण के लिए कुछ भी कर सकती है बाजीराव मस्तानी में अपूर्व भव्यता है संजय लीला भंसाली की यह बाखूबी है कि उनकी फिल्मों के सेट विशाल और भव्य होते हैं इस फिल्म के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में सेट लगाए गए इसके अलावा राजस्थान के ऐतिहासिक किलों में भी शूटिंग की गई युद्ध के दृश्यों के लिए मैदानी इलाकों का चुनाव किया गया संजय अपनी हर फिल्म में एक नया रंग चुनते हैं पूरी फिल्म में उसी रंग की छुटाएँ दिखती हैं बाजीराव मस्तानी में मराठा इतिहास के साछ और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के रंग और वास्तु का ध्यान रखा गया उन्हीं के मेल में सेट तैयार किया गया कास्ट्यूम और हथियारों की रिसर्च में सभी जानकारियों और बारीकियों का काफ़ी ध्यान रखा गया संजय लीला भंसाली इस बात के लिए विख्यात हैं कि वो अपनी फिल्म में जरा भी हेर फेर नहीं करने देते हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट रहती है कलाकारों को सब बता भी दिया गया होता है लेकिन सेट पर कैमरा ऑन होने के पहले सीन और टैग बदला जा सकता है सभी कलाकार दोहराते हैं कि संजय लीला भंसाली उनकी मेहनत और तैयारी पर पानी फेर देते हैं संजय अपने बचाव में कहते हैं मैं हर दिन के मोड के हिसाब से शूटिंग करता हूँ एक मोटा सांचा तैयार रहता है लेकिन कलाकारों की ऊर्जा सहयोगी कलाकारों के जोश और रोशनी के हिसाब से सब कुछ बदल भी सकता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई पहले से कुछ सोच कर आए और उसे ही निभा संतुष्ट हो ले अचानक बदलाव हो तो कलाकार की योग्यता और क्षमता निखर कर आती है रणबीर सिंह बताते हैं संजय सर की टीम ने सारी रिसर्च कर रखी थी फिल्म शुरू करने के साथ मुझे रिसर्च मटेरियल दे दिया गया साथ एक मराठी कोच भी मेरे साथ कर दिया गया इस फिल्म में योद्धा की तैयारी के समय लगा मुझे फिजिकली ही बहादुर दिखना था मैं अपनी तैयारी को महीनों और समय से काउंट नहीं करना चाहता था सेट के पास रह सकूं इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने अपना घर भी बदल लिया था मेरे लिए बाजीराव एक बहुत बड़ी चुनौती थी फिल्म को मिली सराहना और अपनी तारीफ के बाद लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल रही इनका चोपड़ा अपने निर्देशक संजय लीला भंसाली की कल्पना की कायल हैं वह कहते हैं कि इसी फिल्म की बात करें तो कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़कर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी फिल्म बन जाएगी मेरे ख्याल में हर सीन के विजुअल उनके दिमाग में बनते रहते हैं जिन्हें वह अपनी टीम की मदद से साकार करते हैं उनके साथ काम करने में इसलिए अधिक मजा आता है क्योंकि वह ऐसे दरअसम पहली बार कर रहे होते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों में अभिनेत्रियाँ बला की खूबसूरत दिखती हैं दीपिका पादुकोड़ बताती हैं हमें भी नहीं मालूम रहता कि किसी कोर से हम इतने खूबसूरत लग सकते हैं उन्होंने दोनों ही फिल्मों में मुझे जिस सौंदर्य के साथ पेश किया उस रूप में दूसरे निर्देशक मुझे नहीं देख सके उनकी फिल्मों में सिर्फ अभिनेत्रियाँ ही नहीं परिवेश में भी सौंदर्य झलकता है संजय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मेरी फिल्म मुगले आजम को दीघ्र श्रद्धांजलि है अगर किसी को नकल या प्रेरणा लग रही हो तो यह स्वाभाविक है मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता लेकिन इक्कीसवीं सदी के दर्शकों को एक पीरियड और प्रेम कथा की फील तो दे ही सकता हूँ मुझे खुशी है कि दर्शकों ने फिल्म को सराहा बाजीराव मस्तानी फिल्म में भले ही बाजीराव और मस्तानी के लिए कई कलाकारों का नाम सामने आया लेकिन इन दस सालों में कासिबाई के लिए एक इनाम फाइनल हुआ जिसे अंत में वह भूमिका पर्दे पर साकार की यह थी प्रियंका चोपड़ा को प्रियंका की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था संजीव भंसाली की यह फिल्म भव्यता और इतिहास में लिपटी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो धर्म या मजहब की दीवार से टकराती है और इसी टकराहट की वजह से इसमें खड़यंत्र का ताना बाना भी है बंसाली ने 18वीं सदी के पूर्बाद के मराठा नायक बाजीराव पेशवा और बुंदेल राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के रिश्तों को आधार बनाकर फिल्म की कहानी रची है छत्रसाल अपने राज्य की रक्षा के लिए बाजीराव से अनुरोध करते हैं और बाजीराव उनकी तरफ से लड़ाई के लिए आते हैं वहीं उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है मस्तानी खुद भी एक योद्धा है और बिरांगना भी उसकी तलवारबाजी के आगे बड़े बड़े सरमा फीके हैं पर